हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम करने वाले हैं अभी क्लास 10th का मैथ शुरू, जो कि बहुत ही लंबे समय से इंतजार करते बच्चे। कुछ बच्चों को एग्जाम हो चुका है अभी क्लास 9th का, ठीक है, जिनके अच्छे मार्क्स भी आ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। कुछ बच्चों को अभी भी एग्जाम चल रहा है, बट हम इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि फिर हमें जल्दी से जल्दी सिलेबस भी कवर कराना है, उसके बाद दूसरी बुक्स भी करनी है। दैट्स वाई हम आज फर्स्ट चैप्टर करेंगे अभी क्लास 10th का, जो कि हमारा होगा जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसके अंदर मैंने नाम लिया टैक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक चीजें समझेंगे भी। वैसे तो ये कमर्शियल मैथ का हमारा फर्स्ट यूनिट के अंदर पहला ही चैप्टर है, बट इससे प्रीवियस जो हम करके आए अभी क्लास 8th 9th में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, वो भी कमर्शियल मैथमेटिक्स के अंदर ही आते हैं। ये थोड़ा सा उनसे एडवांस होगा, इसमें थोड़ी सी थ्योरी होगी, थोड़ा सा आपको बेसिक चीजों का पता होना चाहिए भी, ठीक है। तो यहां पर बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे भी, इसके अंदर क्या क्या आपको बोला हुआ है, ठीक है, आज वही पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ये देखना है, इंट्रोडक्शन मिस नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर हम सबसे पहले बेसिक चीजें सीख रहे हैं और वही चीज आपको जरूरी है अभी सीखनी, क्योंकि वो पता तो आप आगे आराम से कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं हमारा आज का इंट्रोडक्शन। देखो भाई यहाँ पे क्या बोला है, टैक्स, यानी कि आपको स्टार्टिंग में टैक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या होती है। सिंपल है, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है भाई हमसे, क्या करती है, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है मनी बाय लिवाइंग टैक्सेस विद इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, यानी कि अपनी टेरिटरीज के अंदर ही ले सकती है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हरियाणा के अंदर लगा लो आप, अगर हरियाणा के अंदर कोई सामान बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो हरियाणा गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। उससे बाहर अगर आप टेरिटरीज के बाहर कहीं पे देख रहे हो, तो वहां पर उस टेरिटरीज के अंदर जिसका भी आएगा वहां पर वो लेगा उसका टैक्स, ठीक है। बाकी सेंटर को भी जाता है, मोदी जी को भी जाता है यहाँ पे, ठीक है। टाइप्स में देखो भी, अब टैक्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट के और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट सुनो सबसे पहले क्या होता है भाई, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स आप वहां पे बोल सकते हो, दैट डिवाइड ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, या तो किसी बंदे की इनकम हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की हो, इंक्लूड द वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। कहने का क्या मतलब है यहाँ पर, यहां पर डायरेक्ट तरीके से आपको पता होगा आपसे टैक्स लिया जा रहा है, बट यहां पर इनडायरेक्ट में क्या होता है, आपको पता नहीं होता कि आप टैक्स भी पे कर रहे हो, तो वो इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आपके कितनी, कोई भी बंदा इंडिविजुअल है, उसकी इनकम क्या है, उसके हिसाब से वो देता है टैक्स। ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितना सामान खरीद रही है, बेच रही है, उसके हिसाब से। एग्जाम्पल देता हूं, देखो जैसे इनकम टैक्स लगा लो आप, कितनी इनकम कमा रहे हो, अगर आप 1 लाख रुपीज कमा रहे हो, तो उसमें से 10% गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। वो आपको पता है कि हाँ भी मेरे 10% कटे हैं, 10% कटा है, आपको पहले सैलरी पे करने से पहले आपके 10% काट ले जाते हैं, तो वहां पर आप क्या इनकम टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता भी आपका कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, ठीक है, उस बिजनेस में आप कितना सामान बेच रहे हो, आपको यानी कि एनुअली या फिर मंथली कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके हिसाब से 10% या 20% जो भी होता है वो चला जाता है, तो वो कहलाता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। वेल्थ टैक्स में आपके पास टोटल कितनी इनकम है, टोटल कितना प्रॉपर्टीज वगैरह है, उसके हिसाब से उसका टैक्स जाता है, वो वेल्थ टैक्स में होता है। तो इस तरीके से टैक्स पे करने पड़ते हैं भी आपको, ये आपको पता होता है कि हाँ भाई मैंने इतना टैक्स पे किया है। बट इनडायरेक्ट में होता है, आपसे डायरेक्टली नहीं लेती है गवर्नमेंट, आप कोई सामान खरीद रहे हो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। देखो जहां से, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस दैट पेड बाय कंज्यूमर्स। हम कंज्यूमर्स अगर हम सामान खरीदने जा रहे हैं किसी शॉप पे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन या किसी के द्वारा जो भी गुड्स खरीदा जाता है, या फिर कोई सर्विसेज लगा लो कुछ सामान के अलावा, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं एक सर्विस इस तरीके से, ठीक है, तो इसके ऊपर टैक्स लगता है। जैसे एग्जांपल लगा लो यहाँ पे, अब गुड्स की बात करते हैं, अगर आप दुकान पे जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, 1 किलो चीनी खरीद रहे हो, चाहे वहां पर 1 केजी शुगर खरीद रहे हो, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, वो टैक्स डायरेक्ट जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस अलग अलग होते थे, ठीक है, बट जब जीएसटी आया तो उसके अंदर सारे के सारे मर्ज हो गए थे भाई, ठीक है, उसकी बात करेंगे। आई होप आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स के बारे में और टैक्स के बारे में पता चल गया। अगले वाला करते हैं जीएसटी के बारे में। नेक्स्ट देखिए भाई, जीएसटी के बारे में जानते हैं, यहाँ पे जीएसटी होता क्या अपना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी टैक्स लगेगा गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर वो कहलाता है जीएसटी, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, किस फॉर्म में आएगा, हमने दो टैक्स के फॉर्म पढ़े थे ना अभी, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट टैक्स की फॉर्म में आता है। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो आप, यहाँ पे टोल टैक्स हो गया, रोडवे टैक्स हो गया, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, वो वाला टैक्स हो गया, सारे के सारे टैक्स जीएसटी के अंदर आएंगे। अब यहां पर बात करते हैं हम गुड्स और सर्विसेज, इसके अंदर क्या होगा भाई अपना, पहले गुड्स की बात देखो यहाँ पे, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और थिंग्स दैट कैन नोन एज अ गुड्स। गुड्स क्या होता है भाई, कोई भी सामान हम बेच रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मूवेबल थिंग्स होनी चाहिए, वो आपका गुड्स कहलाएगा भाई यहाँ पर।
इट डज नॉट इंक्लूड एनी मनी और सिक्योरिटी। इसमें ना तो पैसा हो सकता है और ना ही सिक्योरिटी भाई, इनको छोड़कर बाकी सारा मूवेबल थिंग जो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, वो गुड्स के अंदर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्विसेज की। सर्विसेज तो आपको सिंपल पता है, सर्विस कोई किसी को प्रोवाइड कराता है एनीथिंग अदर देन गुड्स एंड मनी। सिक्योरिटी फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस और सर्विसेज, ये सारे के सारे भी इसमें आएंगे। यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जैसे बैंकिंग सिस्टम होता है, आप पैसे जमा करा रहे हो, निकलवा रहे हो, एक सर्विस है वो। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस सर्विस होगी, सारे के सारे आएंगे भाई यहाँ पर। ये यह आपका क्या होगा, सारे का सारा सर्विसेज के अंदर आता है। तो ये था हमारा जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी की बात करें अगर यहाँ पर हम, तो कौन कौन भाई जीएसटी पे करता है या किसको पे करना होगा, वो आपको बुक में भी दे रखा है सारा इंट्रोडक्शन, वहां से आप इजीली पढ़ सकते हो। यानी कि जहां पर किसी भी बंदे की, किसी भी बिजनेसमैन की अगर एनुअल इनकम 20 लाख से ऊपर होती है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स भी है जहां पर 10 लाख हो तो भी आपको पे करना पड़ता है, या फिर रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसका अंडर जीएसटी, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ठीक है, असम हो गया, जो भी है, तो उसके अंडर अगर कोई है बंदा वहां पर बिजनेस रन कर रहा है, उसका एनुअली इनकम अगर 10 लाख है, या फिर दूसरे स्टेट जहां पर 20 लाख है, तो उसको जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अपना। ठीक है, तो ये होता है जीएसटी आपका। ठीक है भाई, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे समझ आया भाई। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट बचे इसके, वो भी कर लेते हैं नेक्स्ट। अभी हमारा यहां पर जीएसटी के टाइप्स, ठीक है, कि टाइप्स क्या क्या होते हैं जीएसटी के, वो पढ़ेंगे। पहली बात करते हैं लोकल की, या फिर इसको आप इंट्रा स्टेट भी बुला सकते हो। यानी कि कोई बिजनेसमैन अपने ही स्टेट के अंदर सामान को बना रहा है या गुड्स को बना रहा है और उसी स्टेट में ही वो बेच रहा है, ठीक है, तो वहां पर लगता है भाई यहां पर उसको लोकल और इंट्रा स्टेट जीएसटी। देखो अब कौन कौन सा होता है इसके अंदर, दो टाइप्स आते हैं भाई। एक तो होता है सीजीएसटी, यानी कि सेंट्रल जीएसटी होएगा यहाँ पे, ग्रॉस सॉरी जीएसटी है, तो यानी कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और उसके बाद यहां पर आता भी आपका एसजीएसटी और यूटी जीएसटी। एस का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और यूटी को होता है भाई यूनियन टेरिटरीज जीएसटी। ठीक है भाई, तो ये दो टाइप्स का लगता है। अब इसमें होता क्या है, मान लो अगर आपके पास टोटल 12% जीएसटी है भाई, ठीक है, तो अगर आप उसमें सीजीएसटी पे कर रहे हो तो उसको आपको हाफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हाफ करना पड़ता है। एग्जांपल देता हूं, अगर आपका मान लो टोटल का टोटल 12% आपको जीएसटी पे करना है, तो 6% तो वहां पर जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो रखेगी, और बाकी का जो 6% है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे एग्जांपल देता हूं हरियाणा में खट्टर सरकार है, ठीक है, तो वहां पर 6% खट्टर को जाता है और 6% जाएगा मोदी को। ठीक है, इस तरीके से समझ लो आप इसको। तो ये होता भी हमारा यहां पर कौन सा, सीजीएसटी। उसके बाद होता है यहां पर नेक्स्ट वाला भाई हमारा, आता है एसजीएसटी और यूटी जीएसटी। इसका मतलब क्या होता है यहां पर, यानी कि अगर आपके पास 12% टोटल जीएसटी है तो उसके अंदर अगर आपको एसजीएसटी या फिर यूटी जीएसटी पे करना है तो वो 6% जाता है, वही चीज रहेगी यहां पे भी, यूनियन टेरिटरीज के अंदर हो या स्टेट के अंदर हो। तो लोकल के अंदर 6% गवर्नमेंट रखती है, जो लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है, और 6% सेंटर की गवर्नमेंट को मिलता है यहां पर। ये था हमारा यहां पर भाई लोकल या फिर इंटर स्टेट सॉरी इंट्रा स्टेट गवर्नमेंट। अब बात चलते हैं यहां पर हमारे पास आउटसाइड द स्टेट। अगर मान लो आपको सामान यही यही बेच रहे हो, ठीक है, आप बाहर भी कोई प्रॉफिट लेना है तो आप उसको दूसरे स्टेट्स में भी सेल कर रहे हो गुड्स को, तो वहां पर लगता है भाई इंट्रा स्टेट जीएसटी। ठीक है, इसके अंदर आपके पास आता है आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड यानी कि दोनों मिल जाते हैं, टोटल का टोटल जो पूरे का पूरा होगा 12% जीएसटी है तो वो आईजीएसटी के अंदर भी 12% ही जाता है गवर्नमेंट को। मान लो अगर किसी दूसरे स्टेट में आप बेच रहे हो सामान तो वहां पर जीएसटी 12% है, तो आईजीएसटी आपको 12 ही पे करना पड़ता है, लेकिन वो अपने आप ही बांट लेते हैं। मान लो अगर आपने कोई सामान बेचा वहां पर 12% आपने उसका सारा का सारा पैसा मोदी को दे दिया, ठीक है, वो क्या करेगा फिर उसका 6% अपने पास रखेगा और 6% उस स्टेट की गवर्नमेंट को दे देगा जिस स्टेट की गवर्नमेंट में वो सामान बिका भाई। ठीक है, तो ये होता है हमारे दो टाइप्स। ठीक है, एक तो होता है लोकल वाला और एक होता है आउटसाइड द स्टेट। अगर आप बाहर बेच रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो या इंपोर्ट कर रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल थे इसके टाइप्स। एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई, हमने इंट्रोडक्शन कर लिया इसका, जो जो मेन मेन चीजें थी मैंने वो आपको बता दी अच्छे से, उन्हीं का ही यूज हम करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है भाई, जिस किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा वो जरूर इंट्रोडक्शन देखे भाई, वहां से आपको बेसिक चीजें पता चलेंगी चैप्टर में हमने क्या क्या यूज करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं भाई। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वो सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। इससे प्रीवियस भी हमने क्लास 8th और 9th के जो बुक्स हैं आरएस अग्रवाल की वो कंप्लीट किए हैं भाई, उन सभी का लिंक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियोज के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। ठीक है भाई, उस बुक के, ठीक है, वहां से आप इजीली हर एक चैप्टर देख सकते हो। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर कर देना भाई वीडियोस, आपके जूनियर्स को शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके मैथ में। ठीक है भाई, तो देखो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे आज, एक डीलर है एक्स इन अ मेरठ यूपी, सोल्ड अ टेबल फॉर ₹12,000 टू अ कंज्यूमर इन आगरा यूपी, इफ द जीएसटी रेट इज दिस, तो कैलकुलेट करो ये।
अब हर एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल डीपली कराया जाएगा, तो ध्यान से क्वेश्चन रीड कर लिया। अब क्वेश्चन रीड करने में आपने दो चीजें सोचनी है, वो सोचो ध्यान से, क्या है पहले इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट कौन सा था, मैंने आपको बताया था जो स्टेट के अंदर ही चीजें बेची या खरीदी जा रही है वो इंट्रास्टेट होता है। वहां पर यानी कि अगर आप अपने ही स्टेट में कुछ चीज बना रहे हो और वहीं पे ही बेच रहे हो तो वहां पर हमारा आईजीएसटी नहीं लगता है। आईजीएसटी क्या होता था भाई, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। आईजीएसटी स्टेट के अंदर ही आप चीजों को बेच रहे हो खरीद रहे हो वहां पर नहीं लगता है। अगर यहां पर आईजीएसटी नहीं लगेगा तो आईजीएसटी क्या आएगा भाई अपना, यहां पर आईजीएसटी कुछ भी नहीं आएगा, निल आएगा। क्या आएगा भाई, निल, यानी कि खाली, कुछ नहीं आएगा यहां पर, कुछ आपको जीएसटी पे नहीं करना है। और ये मुझे कैसे पता चला, क्वेश्चन में देखो मीरठ भी यूपी में पड़ता है और आगरा भी यूपी में पड़ता है, तो सेम ही स्टेट है ना भाई, सेम स्टेट है तो वहां पर आपको आईजीएसटी पे नहीं करना होगा। तो पहला पार्ट था जो आपका वो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट में प्रूव करना आपने यहां पे फाइंड आउट कर रहे हैं सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब मैंने आपको पहले भी बताया था सीजीएसटी या फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी, कौन सा भाई, एसजीएसटी, हमारे दोनों के दोनों हाफ होते हैं किसके भाई, जीएसटी के। बताया था ना हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हमारा सेंट्रल और स्टेट जीएसटी हाफ होता है टोटल जीएसटी का। अब मान लीजिए यहां पर आपको कितना दे रखा भाई, 18 दे रखा है, तो सिंपल है सीजीएसटी निकालना हमने पहले वाले में, सीजीएसटी किसके कुल होगा भाई, हाफ ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितना है 18% है, तो 18 रखो, 29 जा 18 तो आ जाएगा 9%, कितना आ जाएगा भाई 9% आ गया। अब 9% निकाल लीजिए किसका भाई, 12,000 का, तो सीजीएसटी क्या होगा भाई, 9% ऑफ 12,000। चलो भाई सोल्व करते हैं, 9 बाय में परसेंटेज हटाने के लिए 100 और 12,000 आएगा भाई आपका, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 12 को 9 से करते हो, 12 × 108 और पीछे एक जीरो, यानी कि 1,080 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे एज अ सीजीएसटी गवर्नमेंट को, ठीक है। अब एसजीएसटी निकालते हैं, स्टेट वाला भी आपको पता तो है, देखो सेम तो है यार, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों सेम है, तो जो आंसर आया वही एसजीएसटी का आया, बट आपको थोड़ा सा लिख के दिखाना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि मार्क्स लिखने से ही मिलेंगे। आगे देख लो भाई, अब एसजीएसटी है तो इसको भी वही लिखेंगे सेम टू सेम, जो हमारा एसजीएसटी होता है या फिर चाहे सीजीएसटी हो वो हाफ होता है भाई किसका, टोटल जीएसटी का, अगर आप स्टेट के अंदर ही बेच रहे हो चीजों को, ठीक है। तो यहां पर एसजीएसटी कितना हो जाएगा भाई अपना, यहां पर स्टेट जीएसटी हो जाएगा हाफ ऑफ टोटल कितना भाई, 18 है, करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9% निकाल लो, एसजीएसटी निकाल रहे हैं यहां पे, 9% ऑफ 12,000, तो 9 बाय में 100 करो इंटू में 12,000, दो चीजों कट गई, 12 × 108, चलो भाई आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैं वापस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक चीज बता रहा हूं, यहां पे आपको क्या चीज याद रखनी है और क्या नहीं रखना है, ठीक है। कैलकुलेशन तो याद रखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन तो आप खुद सोल्व करोगे। यहां पे कंसेप्ट लगा है इंट्रास्टेट का, कौन सा भाई, इंट्रास्टेट का कंसेप्ट लगा है। इंट्रास्टेट में क्या होता है कि अगर आप अपने ही स्टेट में कुछ चीजों को बेच रहे हो खरीद रहे हो तो वहां पर आपको आईजीएसटी पे नहीं करना है, दैट्स वाई यहां पर हमने आईजीएसटी नहीं लिया है, ठीक है, बिकॉज सेम स्टेट है, यूपी यूपी है दोनों में, तो सेम स्टेट में आईजीएसटी नहीं लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना है फर्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा था सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी, ये क्या होता है भाई, ये होता है हाफ ऑफ द टोटल जीएसटी, ये याद रखना। दूसरा कंसेप्ट कौन सा याद रखना है कि आपका एसजीएसटी और सीजीएसटी है ये सेम है और इसमें हम क्या करेंगे, हाफ करते हैं पूरे टोटल गिवन जीएसटी का, जो कि आपको 18 दिया था, 18 का हाफ करोगे 9%, और उसके बाद तो यार छोटी क्लास वाला काम है, 9% का आपने क्या करना है, टोटल निकाल लेना है 12,000 का, 9% कितना होता भी, ₹1,080, इसका भी सेम ही आएगा, मैंने बोल दिया एसजीएसटी और सीजीएसटी सेम ही होते हैं तो सेम ही आएंगे दोनों आंसर। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो चुका है, मैंने बता दिया आपको क्या कंसेप्ट लगा इसमें, वो याद रखना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक चीज सीखते हैं भाई, क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन कराया था मैंने बोला था कि यहां पे मैं सिर्फ मेन मेन चीजें बता रहा हूं, बाद में हम क्वेश्चन के अंदर ही थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट जो मैंने नहीं कराया था इंट्रोडक्शन में वो क्वेश्चन के अंदर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा साथ ही साथ और कंसेप्ट तो समझ में आ ही जाएगा। तो यहां पर देखो आपको क्या बोला, होलसेलर ए है जो सेल कर रहा मशीन को रिटेलर बी को, ठीक है, एक होलसेलर से कोई रिटेलर लेके आया मशीन कोई भी 5,000 में, अब वो रिटेलर उसको आगे बेच रहा है कंज्यूमर को, ठीक है, कितने रुपए में, 1,000 रुपीज के प्रॉफिट में, यानी कि 6,000 में, 5,000 का तो है ही था, 1,000 प्रॉफिट हो गया, तो कितना हो गया भाई टोटल उसका, यहां पर 6,000। अब बताना है जीएसटी रेट अगर वहां पर 12% है तो कैलकुलेट करना है टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटेलर भी, ठीक है भाई। अब ध्यान से सुन लो, यहां पर इस क्वेश्चन को मैं देखते सारी कर दूंगा, बिल्कुल एक सेकंड लगनी है, कैसे देखो, 5 × 6 = 12% निकालते हो भाई, यहां पर तो आपका कितना आ जाएगा देख लो, 6,000 का
12% निकाल लो, 2 से 2 कट गया, 12 छक्के 72 720, ठीक है। और पिछले वाले में से टोटल कितना बचा भाई, यहां पर माइनस कर देंगे इसका तो 120 बचेगा। अब मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, कैसे किया ये डायरेक्ट, बिल्कुल सिंपल है, बट आपको यहां पे मैं स्टेप वाइज कराऊंगा अच्छे से स्टेटमेंट के साथ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे टैक्स लायबिलिटी क्या होता है रिटेलर बी के लिए। टैक्स लायबिलिटी सिंपल समझो, पहले यहां पे क्या होता है हम बात करेंगे। यहां पर भाई पहले एक ग्राफ सा बना देता हूं आपके लिए, इजी रहेगा। एक कोई बंदा था भाई जो होलसेल की दुकान लेके बैठा अपनी, जो आगे छोटी छोटी दुकानों पर अपना सामान बेच रहा है, छोटी दुकान वालों को यहाँ पे बी यानी कि रिटेलर बोला है। क्या बोला है भाई? रिटेलर बोला है। और मैं कोई कंज्यूमर हूं, जाकर वहां से सामान लूंगा बी से, किससे भी, मैं हूं कंज्यूमर, ठीक है, ये चीज समझ आई। अब ए बंदे ने क्या किया, बी को अपना सामान बेच दिया, यानी कि मशीन बेच दी, जो कि ए क्या था, होलसेल की दुकान है इसकी, बहुत बड़ी दुकान है, इसने बेच दी भाई बी को, चलो भाई तू खरीद ले मेरे से 5000 रुपए में। कितने में? 5000 रुपए में, ठीक है। अब बी वाला बंदा क्या सोचता, भी मुझे भी कुछ प्रॉफिट कमाना है, दैट्स व्हाई ये क्या करता है, अपने सामान को जो 5000 का इसने खरीदा था वो किसी कंज्यूमर को दे देता है, बेच देता है 1000 रुपीज के प्रॉफिट में। अब पता उसको 5000 की खरीदी है, 1000 उसका प्रॉफिट हो गया, तो टोटल वो 6000 रुपीज में सेल कर रहा है कंज्यूमर को, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ए ने बी को बेचा, बी ने कंज्यूमर को बेच दिया, इसने 5000 में खरीदी थी, इसने आगे 6000 में अगले वाले को बेच दी, 1000 का प्रॉफिट कमाकर। अब आगे सुनो ध्यान से, अब यहां पर लायबिलिटी क्या होती है वो सुनो ध्यान से, कैसे निकालते हो। अब लायबिलिटी को निकालोगे आप आउटपुट सी जीएसटी प्लस में आउटपुट एस जीएसटी का सम माइनस में इनपुट सी जीएसटी, फॉर्मूला लिख रहा हूं, बस तुम ये सोच लो कि फॉर्मूला है इनपुट एस जीएसटी। चलो भाई अब ध्यान से सुनो, यहां पर ये फॉर्मूला अच्छे से रट लेना, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा भाई, अब आगे पेबल आएगा वर्ड, उसमें भी यूज होगा, लायबिलिटी में भी यूज होता है ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा आपका। अब वो कैसे यूज होगा वो देख लो ध्यान से। अब मैं इसमें आपको इनपुट और आउटपुट समझा रहा हूं, क्योंकि इस फॉर्मूले में इनपुट आउटपुट लिखा तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, दैट्स व्हाई मैं इनपुट और आउटपुट समझा रहा हूं। अगर ये बंदा ए खरीद रहा है 5000 रुपए में, तो जो ये 5000 रुपए का सामान इसने खरीदा है, इस 5000 रुपए के सामान पर जो ये टैक्स पे करेगा, क्या करेगा, जो ये 5000 सामान के ऊपर टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, वो कहलाता है इसका इनपुट। क्या कहलाता है भाई? क्योंकि शुरू में इसने खरीदा भाई, इनपुट कहलाएगा, इनपुट सीजीएसटी या फिर इनपुट एसजीएसटी बोल दो आप, ठीक है। और अब बात करते हैं कंज्यूमर वाले की। अगर रिटेलर भी कंज्यूमर को बेच रहा है और कंज्यूमर सामान खरीद रहा है 6000 का, तो इस 6000 पे ये भी टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, इस 6000 पे ये भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, बट कितना टैक्स पे करेगा वो भी इसमें आएगा आउटपुट में, किसमें भाई, आउटपुट सीजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी, ठीक है भाई, ये दो चीजें आएंगी, सॉरी इनपुट लिख दिया क्या मैंने, आउटपुट ही आएगा दोनों में। लास्ट वाला बंदा आउटपुट देगा, ये वाला शुरू वाला इनपुट देगा, याद रख लो बस, कि जो ए है यानी कि जो होलसेल वाला बंदा है वो कंज्यूमर को बेच रहा है, सॉरी इसको रिटेलर को बेच रहा है बी को, तो वो इनपुट जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है, बी वाला बंदा। और जो वापस आगे ये खरीद रहा है भाई कंज्यूमर, ये पे करेगा भाई यहां पर कितना भाई, ये पे करेगा यहां पर आउटपुट। लेकिन निकालना किसका हमने यहां पर, बी का निकालना है, समझ गया ना मेरी बात, यानी कि जो बी बंदा है वो गवर्नमेंट को पे करेगा इनपुट और कंज्यूमर पे करेगा आउटपुट, हमने इन दोनों को माइनस करना और टोटल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं भाई, चलो क्वेश्चन अच्छे समझ आ गए होगा आपको, सारी बेसिक चीजें जो मैंने बताई हैं, तो ध्यान से सुनो मैं करा रहा हूं क्वेश्चन। तो देखो भाई यहां पर हम निकाल रहे हैं आंसर, देख लो इसका, बस सबसे पहले इनपुट जीएसटी निकालेंगे सीजीएसटी। अब आपको पता है सीजीएसटी हो या फिर एसजीएसटी हो भाई, वो इक्वल होता है हाफ ऑफ टोटल जीएसटी। टोटल जीएसटी कितना देखा भाई, कहां पे है, 12% है, 12% है, काटोगे तो 6% आएगा भाई। अब आपने सीजीएसटी निकालना है, सी जी एस टी ऑफ किसका भाई, बी रिटेलर का, बी रिटेलर का, बस मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, देखो भाई 6% निकालना भाई किसका, टोटल कितने में बेचा था उसने 5000 में, सॉरी 5000 में खरीदा था रिटेलर ने, तो रिटेलर का खरीदने पे उसने आगे जो टैक्स पे किया वो निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। 6% ऑफ कितना करेंगे भाई, 6/6 में 100 गुना में 5000, 2 से 2 कटी 5 से 3, 300 आ गया भाई, कितना आ गया 300। वैसे इसका फिर एसजीएसटी निकाल लेंगे, वो भी आपको पता है कितना होगा, 6% होगा भाई ऑफ किसका, 5000 का, और आपको पता सेम ही चीज निकलनी है 6/6 में। आपको पता ना सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होते हैं भाई, मैंने बार बार बोल दिया यार, अच्छे से पता होना चाहिए आपको, एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। 300 हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब आपका एसजीएसटी सीजीएसटी, और ये कौन से भाई, ये इनपुट है, कौन से है, ये इनपुट था भाई, ये बस मैंने लिख दिया इनपुट है। अब निकाल रहे हैं आउटपुट, क्या निकाल रहे हैं भाई यहाँ पे, मैं आउटपुट निकाल रहा हूँ, जिसका मतलब है कि मैं अब कंज्यूमर वाला निकालूंगा, तो सेम रहेगा,
सीजीएसटी और एसजीएसटी है जो हमारा, वो सेम ही रहना है, हाफ ऑफ 12%, यानी कि 6% आएगा इसका। अब आपने निकालना है यहां पर भाई सीजीएसटी ऑफ किसका भाई, होलसेलर का, किसका सॉरी होलसेलर बोल रहा हूं, कंज्यूमर का, किसका भाई, ऑफ सीजीएसटी ऑफ कंज्यूमर कितना आएगा, देखो भाई हाफ ऑफ सॉरी हाफ क्यों लिख रहा हूं मैंने लिखना है यहां पे 6%, 6% ऑफ किसका भाई, 6000 का, क्योंकि कंज्यूमर ने तो 6000 में खरीदा था ना सामान, तो 6000 आएगा यहां पर। देखो भाई 6000 ऑफ 6 करेंगे यहां पे, बाय में 100 इनटू में 6000, देखो भाई 20 से 20 करेगी, 66 का 36, 360 आया भाई, कितना आ गया 360। ऐसे ही सीजीएसटी के बाद आएगा भाई अपना यहां पर कौन सा, एसजीएसटी, सेम ही रहना है बिल्कुल, ये भी 6% ऑफ 6000 ही रहना है, आपको पता दोनों सेम आते हैं ये, तो 6/100 × 6000, 20 से 20 फिर वही सेम टू सेम 360। चलो भाई सारी चीजें निकल चुकी हैं और ये आउटपुट था, ये इनपुट था, चलो फॉर्मूले में पुट करते हैं भाई। आपको निकालना था लायबिलिटी टैक्स, ठीक है, लायबिलिटी टैक्स लिख लेना यहाँ पे, इज इक्वल टू आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। देखो भाई ये रहे आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, कितना भाई 360, 360, तो 360 + 360 यानी कि 360 + 360, ठीक है भाई। उसके बाद माइनस में इनपुट सीजीएसटी और इनपुट ही एसजीएसटी, इनपुट वाला ये रहा भाई, देखो इनपुट का सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना था भाई 300, 300, तो लिखो यहाँ पे 300 + 300, ठीक है भाई। चलो अब सोल्व कर लेते हैं इसे, देखो यहाँ पे 300 कितना हो गया भाई यहाँ पर 720, 36 × 72 माइनस में 3600 हो गया भाई, तो बचेगा रुपीज 120, कितना भाई 120 बचेगा आपको, ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखा कितना सिंपल था, और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बिल्कुल सिंपल है, देखो शुरू में आंसर निकाल के दे दिया था मैंने 120, क्योंकि मुझे पता माइंड में मेरे चल रहा है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन ऐसे होता है, डायरेक्ट लास्ट में मैंने माइनस करके कर दिया। आप प्रैक्टिस करोगे ना बिल्कुल ईजी रहेंगे आपके लिए, और मैं आपको तभी एक एक क्वेश्चन बिल्कुल डीपली करा रहा हूँ, आपको कोई भी कंसेप्ट छूट ना जाए भाई, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में कराने में प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम भी लगता है, बट स्टार्टिंग में ही अगर मैं आपको अच्छे से करा दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी किसी को कुछ लग रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छे से नहीं हुई है, मेरे को अच्छे से नहीं आई, तो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, एक माइक्रोवेव ओवन है हैविंग अ मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹22,000, वो सोल्ड बाय अ डीलर इन पटना। अब ध्यान से देखिए, पटना यानी कि बिहार में है और गया यानी कि बिहार में, दोनों के दोनों बिहार में सेम है, तो यहां पे क्या लगेगा, इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट, आपको पता है इंट्रास्टेट लगेगा, और इंट्रास्टेट यानी कि सेम ही स्टेट में बेचा या खरीदा जा रहा हो, तो वहां पर आईजीएसटी नहीं पे करना पड़ता है, वहां पर हम आईजीएसटी को क्या लेते हैं भाई, निल यानी कि जीरो लेते हैं, वहां पर आंसर जीरो आएगा आपका। तो पहला वाला तो डायरेक्ट ही हो गया आपका, क्वेश्चन देखते सर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 25% पे आपको डिस्काउंट पे करना पड़ रहा है भाई यहाँ पे। कहने का क्या मतलब है, अगर आपने उसको 22,000 का खरीदा है, 22,000 को खरीदा है, तो उसको आप 25% डिस्काउंट देके फिर खरीदोगे, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहले इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% कैलकुलेट करना आपको, आईजीएसटी ये तो करना ही नहीं है, तो नील हो गया, जीरो हो गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है, और ये निकालने के बाद फिर इसका टोटल अमाउंट भी निकालेंगे बिल का, ठीक है। तो पहला जो पार्ट था आपका आईजीएसटी, वो तो आपका क्या हो गया भाई, रुपीज जीरो हो जाएगा, या फिर आप इसको नील भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ये दोनों आंसर ठीक रहेंगे, रुपीज जीरो या फिर नील, ठीक है भाई, ये हो गया आपका। अब शुरू करते हैं भाई, देखो मार्क प्राइस कितना दिया आपको यहां पर, एमपी का मतलब यहां पे मार्क प्राइस लगा लो आप, कितना रखा भाई रुपीज 22,000, ठीक है भाई। अब इसका सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस, और वो पता आपको कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट देने के बाद। तो देखो भाई यहां पर अब 22,500 है, इस पे कितना 25% का डिस्काउंट है, तो क्या करेंगे भाई 25% निकालते हैं पहले किसका भाई, ऑफ यहाँ पे पहले मैं डिस्काउंट ही निकाल लेता हूँ, ये लिखो रहने दो मत, 25% ऑफ किसका भाई 22,000 का निकाल लो यहाँ पर। चलो भाई देखो कितना आएगा, 25% यहाँ पर 100 हटा दिया इनटू में कितना भाई 22,000, 20 से 20 कट गया भाई, 2×5 = 110 की 0, 11 कैरी गए, 2×2 = 44 और 11×55 और पीछे कितना लगा भाई 10, यानी कि उसके ऊपर 5,500 रुपये का आपको फायदा हो जाएगा, यानी कि आपको इतने पैसे कम देने पड़ेंगे, डिस्काउंट हो गया ना, डिस्काउंट का तो मतलब सभी को पता है उतने पैसे कम देने पड़ते हैं आपको, तो 5,500 रुपये कम देने पड़ेंगे। टोटल कितना हो गया अमाउंट वो निकाल लेते हैं भाई, यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, टोटल अमाउंट कितना था 22,000, लिखो भाई यहाँ पे 22,000 था, माइनस में कर देंगे इसमें से 5,500, तो यहां पर कितना हो जाएगा 16,500 हो जाएगा शायद, मेरे ख्याल से 16,500, 16,500 हो जाएगा भाई
सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है, क्योंकि आईजीएसटी तो आपका नील हो गया था। ये कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है भाई, क्या करेंगे यहाँ पे, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका इक्वल होता है भाई हाफ ऑफ टोटल जीएसटी के, और वो कितना भाई आपका हाफ ऑफ 18 है, तो 18 का हाफ कर देंगे आ जाएगा 9%। ठीक है भाई, अब निकालते हैं सीजीएसटी पहले, 9% ऑफ कितना भाई, 9% ऑफ 16500। चलो भाई 9 बाय में 100 करो परसेंटेज हटाने के लिए, फिर लगा दो 16500, दो जीरो से दो जीरो कट गया भाई। ठीक है, 95 से कितना हो गया भाई 45, ठीक है 4 चला गया भाई यहाँ पे कैरी, 96 से 54 और 4 58, 5 चला गया कैरी, 91 से 9 और 5 14, तो रुपीज 1485 आपको यू हैव टू पे इन जीएसटी। ठीक है भाई, सीजीएसटी पे करना पड़ेगा। अब निकालते हैं यहाँ पे एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखो भाई ये भी सेम टू सेम 9% करना पड़ेगा ऑफ किसका भाई, 16500 का, सेम करना, आपको पता है यार सेम ही आंसर आता है, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम होते हैं आपके, दो जीरो से दो जीरो कटेगी भाई, मल्टीप्लाई करके भाई आना है 1485। चलो भाई अब आपने सारी चीजें निकाल दी, बस लास्ट का एक चीज बचा है, यू हैव टू डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ बिल दैट यू हैव टू पे आफ्टर इंक्लूडिंग द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, तो करते हैं भाई यहां पर शुरू। तो सबसे पहले करेंगे टोटल बिल, लिख दो भाई यहां पर टोटल बिल कितना पे करना पड़ेगा। एक अमाउंट तो है भाई आपका, कहां गया जरा, ये तो पे करना ही पड़ना आपको। ठीक है, डिस्काउंट लिखने के बाद आपको डिस्काउंट जब मिल जाएगा तो ये तो पे करना है, प्लस में सीजीएसटी कितना भी आपका, देखो सीजीएसटी था 1485 प्लस में, फिर एसजीएसटी भी पे करना, वो कितना भाई 1485। ठीक है भाई, तो जोड़ देते हैं। चलो देखो भाई यहां पे क्या आएगा, 5 और 5 10 की 0, एक कैरी लग गया भाई, 8 8 16 और 1 17, फिर 1 कैरी गया भाई, उसके बाद 4 और 4 8 और 1 9, 9 और 5 14 का 4, 1 कैरी गया भाई। ठीक है भाई, उसके बाद 6 और 1 7 और 1, ठीक है भाई, सॉरी 9 आएगा ना। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 19470, इतना आ जाएगा भाई आपका यहां पर, और ये क्वेश्चन हो जाता आपका यहां पर कंप्लीट। इसका आपको टोटल अमाउंट बिल इतना पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था हमारा, इसमें तीन चीजें निकालनी थी, पहले निकाला हमने यहां पर आईजीएसटी भाई जो कि 0 आया आपको पता है, सीजीएसटी बिल्कुल सिंपल, एसजीएसटी दोनों के दोनों, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सेम ही होते हैं, तो दोनों सेम आए थे 1485। बाद में सभी को जोड़ दिया टोटल भाई यहां पर, तो आपका आ जाएगा यहां पर ये। आई होप आपको अच्छे से समझ आया भाई सारा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था, कंसेप्ट आपको पता है, इंट्रास्टेट का कंसेप्ट लगा है, बाकी फिर वही एसजीएसटी सीजीएसटी तो सिंपली निकालना आपने। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको 4 में क्या दिया भाई, स्टेटमेंट रीड करते हैं। एक डीलर है मुंबई के अंदर, ठीक है भाई, वो सोल्ड कर रहा है टेलीस्कोप को, जिसका किसको बेच रहा है वो भाई, एंड यूजर जो बैंगलोर में रहता है। देखो ध्यान से, अब अलग अलग हो गया भाई यहाँ पे, अब इंट्रास्टेट नहीं लगेगा, इंटरस्टेट लगेगा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बेच रहा है, सेम स्टेट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस ऑफ द एमपी का मतलब यहाँ पे मार्क्ड प्राइस है ऑफ टेलीस्कोप रुपीज दिस 25,000, यानी कि 25,000 था जो इसका टोटल मार्क्ड प्राइस है, जिसके ऊपर उसको डिस्काउंट भी ऑफर किया गया भी 20% का। तो बताना इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, कैलकुलेट करना भी हमने यहाँ पे आईजीएसटी को, सीजीएसटी को, एसजीएसटी को, चार्ज्ड फ्रॉम द एंड यूजर एंड डिटरमाइन द आल्सो अमाउंट ऑफ बिल। सबसे पहले तो बात यहाँ पर, एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बता दी क्वेश्चन रीड करते सारी, कि यहां पर इंटरस्टेट लगेगा, यानी कि एक स्टेट की बात नहीं है, अब एक से दूसरे स्टेट में जा रहा बंदा। ठीक है, तो यहां पर हम आईजीएसटी अब की बार पे करेंगे, क्या करेंगे भाई, आईजीएसटी पे करेंगे। तो फिर क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना पड़ेगा, नहीं भाई, तो अब की बार जो हमारा एसजीएसटी और सीजीएसटी है वो क्या होगा, अब की बार निल, यानी कि अब की बार इसको हम जीरो लेंगे। लिखो भाई फटाफट यहां पे, सीजीएसटी है आपका इक्वल टू कौन सा भाई, SGST, वो दोनों के दोनों क्या होंगे भाई, जीरो होंगे, रुपीज जीरो, या फिर आप निल भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, चलो भाई एक चीज तो कर ली हमने पूरी, अब निकालते हैं यहां पे मार्क प्राइस, देखो कितना दे रखा है मार्क प्राइस ऑफ टेलीस्कोप, कितना दे रखा भाई हमें मार्क प्राइस, हमें दे रखा भाई यहां पर 25,000, कितना भाई 25,000। ठीक है भाई, ये 25,000 है, रुपीज 25,000, उसके बाद अब इसके ऊपर ऑफर्ड हुआ है डिस्काउंट भाई, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट किया गया है हमारा 20% का, किसका भाई 20% का, तो सबसे पहले 20% ऑफ निकालो भाई यहां पे, 20% ऑफ यहां लिख देता हूं मैं, 20% ऑफ 25,000, चलो भाई ओपन करते हैं इसको, 20 बटा में 100
मल्टीप्लाई में कितना भी 25,000, 1, 2, 3, चलो भाई 2 जीरो से, 2 जीरो कट गया, 25 × 50 और 2 जीरो, यानी कि रुपीज 5,000 तो उसको कम पे करने पड़ेंगे क्योंकि इतना उसको डिस्काउंट मिला भाई, ठीक है। तो माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या रहेगा भाई, यहाँ पर टोटल था 25,000, उसमें से 5,000 रुपए का उसको डिस्काउंट मिल गया, तो कितने बचे भाई, 20,000 रुपए बचे कि नहीं बचे, तो यहाँ पर बच गए उसके 20,000, ठीक है भाई, ये रुपीज है यहाँ पर 20,000, आया समझ, ये तो ठीक है। अब उसके बाद 20,000 तो लिख दिया हमने यहाँ पे, अब हमने निकालना है यहाँ पर IGST, क्या निकालना भाई, IGST किसके इक्वल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, IGST हमारा इक्वल होता है टोटल GST के इक्वल, किसके इक्वल, GST के इक्वल, ठीक है भाई, जितना GST होगा उतना ही IGST होगा। IGST कितना अपने पास भाई, देख लो अब 20% होगा, कितना होगा IGST है जो आपका, वो होगा 28%। चलो भाई अब 28% निकाल लेते हैं IGST निकालने के लिए, इन टर्म्स ऑफ रुपीज 28% ऑफ टोटल कितना था भाई, 20,000, कितना 20,000, चलो भाई 28 बाय में 100 करो, मल्टीप्लाई में करोगे 20,000, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 28 × 56 और पीछे 2 जीरो, यानी कि रुपीज 5,600, कितना भाई 5,600 आपको IGST पे करना पड़ेगा, या आपका IGST निकल गया, ठीक है। अब टोटल बिल निकालते हैं, आपको पता है टोटल बिल अमाउंट में क्या करना पड़ता है आपको, जो आपका सेलिंग प्राइस यानी कि जो कितना था 20,000 था, प्लस में करना पड़ेगा आपको यहां पर भाई कितना 5,600, जो आपका कितना आया है IGST आया है, उस टोटल कर दो यहां पे, तो 25,600, कितना भाई 25,600 है जो आपका टोटल बिल का अमाउंट आ जाएगा, तो ये आपको पे करने पड़ेंगे इतने पैसे। और यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4th है कंप्लीट हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन पिछले 3 क्वेश्चनों से अलग था, क्योंकि अभी तक हमारे पास इंट्रा स्टेट का कोई एग्जांपल, कोई क्वेश्चन नहीं आया था, अभी तक हम इंटर स्टेट कर रहे थे जहां पर IGST हर बार जीरो होता था, ठीक है। बट ये 4th क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया ऐसा जिसके अंदर हमने दूसरा कंसेप्ट सीखा, जिसके अंदर था इंट्रा स्टेट के बाद इंटर स्टेट, यानी कि जिसमें हम IGST तो लेंगे बट SGST और CGST दोनों जीरो होगा, यानी कि निल होगा, आया समझ कंसेप्ट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, 5th क्वेश्चन देखिए यहां पे, 5th क्वेश्चन में आपको क्या दिया, स्टेटमेंट रीड करते हैं। एक डीलर है भाई जो परचेज कर रहा है म्यूजिक सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ रुपीज 25,000, सोल्ड कर रहा है उसको भाई कंज्यूमर को फिर बाद में 20% के प्रॉफिट पे। तो अगर यहां पर हम रेट ऑफ GST की बात करें वो 18% है, आपको कैलकुलेट करनी यहां पे तीन चीजें, टोटल तीन चीजें कौन कौन सी है ध्यान से देख लो भाई, एक तो अमाउंट ऑफ GST यानी कि CGST और SGST आपको निकालना है डीलर के लिए, किसके लिए भाई, डीलर के लिए। और शुरू में देखो क्या लिखा है, इनपुट लिखा भाई, क्या लिखा है, इनपुट, ठीक है। उसके बाद आना है द अमाउंट ऑफ GST पेबल बाय डीलर टू गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट को कितना पे करेगा वो निकालना है, और लास्ट में अमाउंट कितना भी टोटल कंज्यूमर हैज टू पे फॉर द म्यूजिक सिस्टम। चलो भाई अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आप जो कर रहे हो ना मैं बता देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा है हमारी इसी एक्सरसाइज का, जो सेकंड क्वेश्चन किया ना हमने इनपुट आउटपुट वाला, ये 5th है। सेकंड क्वेश्चन जिसको अच्छे से समझ आया ना वो 5th अपने आप भी कर सकता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले निकालते हैं इनपुट, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, MC का मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये बेच रही है किसको भी सामान, ये बेच रही है डीलर को, किसको भाई डीलर को, और डीलर किसको बेच रहा है भाई कंज्यूमर को, कंज्यूमर को बेच रहा है, ठीक है। तीन बंदे हैं, तो यहां पर डीलर इससे सामान खरीदता है 25,000 का, कितने का भाई 25,000 का सामान खरीद रहा है, तो इसको खरीदने पे कुछ तो टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को, वो इनपुट टैक्स है, क्या है इनपुट। तो सबसे पहले इनपुट टैक्स निकालते हैं भाई। अब यहां देखो लास्ट में सेम स्टेट दिया आपको क्वेश्चन में, सेम स्टेट है तो यानी कि इंटरस्टेट लगेगा, जिसके अंदर हम चीजों को क्या कर सकते हैं भाई, स्टेट के अंदर ही बेचते और खरीदते हैं, तो वहां पर IGST पे नहीं करना पड़ता है, CGST और SGST पे करना पड़ता है, तो वही पे करते हैं। टोटल हमारा जो पहला पार्ट है वो कर रहा हूं मैं यहां पे, SGST और CGST हमारा किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ टोटल GST, GST कितना भी अपने पास टोटल 18%, 18 से काटेंगे तो 9% आएगा भाई, कितना आएगा। अब आपने निकालना है CGST और SGST, SGST निकाल दो पहले मैं, 9% ऑफ किसका भाई, टोटल अमाउंट कितना था शुरू में 25,000, किसका ये 25%, डीलर की बात चल रही है भाई यहाँ पे, डीलर के लिए चला ना, डीलर के लिए देखो पहले पार्ट में फॉर द डीलर निकाल रहे हैं, तो डीलर ने कितने खरीदा था 25,000 का, तो मैं 25,000 उसके लिए ले रहा हूं भाई यहाँ पे, तो निकालो चलो फटाफट इसका, 9 बाय में 100 मल्टीप्लाई में कितना भाई 25,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 × 225 यानी कि 2,250, ये अमाउंट पे करना पड़ेगा भाई आपको किसके लिए, ये इनपुट है भाई, शुरू में मैं इनपुट तो लिखा ना भूल गया, इनपुट लिख दो, चलो इनपुट का केस अभी पूरा ये। अब SGST निकल गया, CGST आपको पता सेम ही बोलना पड़ता आपको, तो सेम ही आएगा 9% ऑफ 25,000 और 9 बाय में 100
इनटू में 25,000 सेम करना है बिल्कुल, और रुपीज आ जाएगा 2250। ये लो भाई सेम आ जाएगा, 2000 से 2000 की भाई सेम रहना। तो ये दोनों सेम आएंगे। पहला आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, पहला पार्ट था जो आपका वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों सेम रहेंगे, 2250 2250 हो गया भाई पहला पार्ट। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में बोला द अमाउंट ऑफ द जीएसटी पेबल, देखो वापस आ गया, मैंने आपको बोला था पेबल आएगा बाय डीलर टू कंज्यूमर, डीलर टू द गवर्नमेंट। अब कितना वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है, दोनों के बीच का गैप निकालना है। तो गैप के लिए पहले मुझे मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा, सॉरी मार्केट प्राइस तो दे रखा ना कितना भाई, यार अपने पास 25,000 मार्केट प्राइस है भाई 25,000। अब वो बेच रहे किसको भाई, सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे यहाँ पे। सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई इसका निकालने के लिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, पहले आपको 20% निकालना पड़ेगा किसका भाई, 25,000 का। और वो मैं क्यों निकाल रहा हूँ पता आपको, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि इसको 20% का प्रॉफिट हुआ था। तो पहले इसका 20% निकाल लेंगे और जितना प्रॉफिट आएगा वो इसमें टोटल में जोड़ देंगे, तो वो आपका सेलिंग प्राइस होगा वहां पे, ठीक है। तो देखो भाई 20/100 इंटू में कितना भाई 20,500 हो जाएगा, 2000 से 2000 कटेगी भाई यहाँ पे, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 5,000। कितना भाई 5,000, तो यानी कि 25,000 का तो खरीदा था बंदे ने, डीलर ने, किससे, कंपनी से, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। और वो आगे उसको कितने प्रॉफिट में बेच रहा, 5,000 के प्रॉफिट में, इसको 5,000 का फायदा हुआ भाई। तो 25 और 5 कितने हो गए टोटल 30,000, यानी कि वो यहां पर 30,000 में बेचेगा भाई टोटल। तो यहां आ जाएगा 25,000 प्लस में 5,000, तो टोटल हो गया भाई यहां पर 30,000। तो इतने रुपए में वो बेच रहा है। अब हम यहां पे निकाल लेंगे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो क्या होगा भाई हाफ ऑफ 18% काटेंगे तो कितना आएगा 9%। अब 9% निकालो, क्या निकालो 9%, 9% निकालना है किसका भाई ऑफ 30,000 का, 30,000 का ही निकालना है। तो लिखो 9/100 इंटू में 30,000, देखो 2000 से 2000 कट गई, 9 3 27, तो 2700 आएगा भाई, समझ आया मेरी बात। अब हमने निकाला है सीजीएसटी, अब एसजीएसटी भी सेम ही रहेगा। एसजीएसटी कितना होता भी अपने पास यहां पर भाई है 9%, यानी कि 9% 9 of 30,000 सेम ही आएगा यार, आपको पता तो है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा भाई यहां पर 2700। चलो भाई अब हमने सारी चीजें निकाली, इनपुट भी निकाल लिया, आउटपुट भी निकाल लिया, हमने निकालना यहां पे कितना पे करेगा वो जीएसटी टोटल, ठीक है। तो पेबल जीएसटी लिख देता हूं मैं यहां पे पेबल, और वो आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, दोनों इनपुट को जोड़ दो। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना यार सेकंड क्वेश्चन में, अच्छे से समझ रहे हो ना आप तो बता देना कमेंट करके, अच्छे से समझ रहे हो कि नहीं, कुछ चीजें याद भी हैं कि कभी भूल जाओ, ठीक है। तो देख लो पेबल जीएसटी कितना भाई आपका, यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, जो इनपुट होता और आउटपुट होता वो लेते थे ना, आउटपुट क्या भाई आपका देखो यहां पर आउटपुट ये है, तो दोनों आउटपुट को जोड़ो यहां पर 27,000 प्लस में 27,000 ब्रैकेट स्टार्ट माइनस में, फिर क्या करते थे दोनों इनपुट को जोड़ते थे, इनपुट कितना था 2550 2550 यहां पर जोड़ दो भाई 2250 प्लस में 2250, यही कर रहा हूं मैं कोने में, ठीक है। देख लो भाई अब 2700 और 2700 कितना हो जाएगा भाई 5400 माइनस में 2250 2250 4500, तो कितना हो जाएगा भाई यहां पर माइनस करेंगे 900 आएगा, कितना आएगा, और ये आएगा भाई आपके सेकंड पार्ट का आंसर जिसको मैंने सर्कल किया भी, ये वाला है आपके सेकंड पार्ट का आंसर कि कितना अमाउंट वो पेबल होगा। ये फर्स्ट पार्ट यहां पे खत्म हो गया था, ये सेकंड पार्ट है यहां से शुरू हुआ था। अब बचा थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट बचा, वो भी कर लेते हैं इसका। देखो लास्ट पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें आपको टोटल अमाउंट निकालना है, अमाउंट दैट द कंज्यूमर हैज टू पे टू द म्यूजिक सिस्टम। अब ये कंज्यूमर है बंदा थर्ड वाला जो सबसे लास्ट वाला खरीदा था, उसको डिस्काउंट तो मिला, सॉरी डिस्काउंट बोला, उसको टोटल कितने में पड़ा 30,000 में, तो पड़ा था उसको कितने पड़ा था 30,000 में, तो टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट बिल निकाल रहा हूं यहां पे क्या होगा, देखो 30,000 तो वो पे करेगा प्लस में, अब उसके ऊपर टैक्स भी पे कर रहा है, वो कितना टैक्स पे कर रहा है भाई देखो आउटपुट वाले में, ये कंज्यूमर का है आउटपुट वाला, कितना 2700 2700, तो लिखो 2700 प्लस में 2700, ठीक है भाई। तो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा अपना 30,000 प्लस में 2700 2700, अब उसके बाद फिर जोड़ दो भाई इसको, देखो कितना आएगा, यह आ जाएगा 35,400 टोटल रुपीज ही हैज टू पे फॉर किसके लिए भाई, म्यूजिक सिस्टम के लिए। तो यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है,
आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अभी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट प्रॉब्लम कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। शुरू से ही अच्छे से चीजों को समझ के चलना भाई, अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में। एक बात बता देता हूं मैं, जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हैं क्लास 9th 8th में, उनसे भी इजी चैप्टर है अगर आप ध्यान से देखो। कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं मिलेगी इसमें, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन मिलेगी। देख लो सिर्फ परसेंटेज निकाल रहे हो, बस थोड़ा सा कंसेप्ट का फंडा है यहाँ पे। कंसेप्ट जिसको अच्छे से समझ आ गया तो वो अच्छे से कर पाएगा क्वेश्चनों को। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पर 6th में देखिए आपको क्या दिया है। एक रजिस्टर्ड कंप्यूटर इंजीनियर प्रोवाइड करा रहा है कंप्यूटर्स, जो मेंटेन करता सर्विसेज फॉर द 5 different companies। ये 5 different company है जिसका नाम है अभी C1, C2, C3, C4, C5। हर एक कंपनी के अंदर अलग अलग टाइप से डिस्काउंट प्रोवाइड होता है। इस कंपनी में 30 है, इसमें 25, इसमें 20, इसमें 15, इसमें 10, अलग अलग डिस्काउंट देते हैं भाई ये, ठीक है। तो हमने करना क्या है, अगर आपको जीएसटी रेट 18% दिया है तो आपने आउटपुट जीएसटी निकालनी है हर एक कंपनी के अंदर। तो आपको सर्विस कॉस्ट इतनी दी हुई है भाई, डिस्काउंट इतना दिया हुआ है, तो डिस्काउंट परसेंटेज में हम डिस्काउंट निकालते हैं पहले अमाउंट में। किसमें भाई डिस्काउंट निकाल लेते हैं, यहाँ पे अमाउंट के अंदर डिस्काउंट इन अमाउंट, ठीक है भाई, इन रुपीज लिख दो चाहे आपकी मर्जी है। तो 30% निकाल लो इसका, देखो 30/100 मल्टीप्लाई में कितना भाई 8200, 20 से 20 कट गया भाई, तो कितना बचेगा अपना ये सोल्व करो देखो। 3 2 6 3 8 24 2460 यानी कि 2460 रुपीज आएगा आपका इस कंपनी का अमाउंट। इसका निकालते हैं, चलो अब देखो 25/100 मल्टीप्लाई में कितना भाई 12100। अब आपको पता है 20 से 20 कट जाएगा, या 25 4 100 लगा लो, चलो 4 3 12 फिर भाई यहां पर कितना आ जाएगा 4 2 8 उसके बाद बचा भाई 2 4 5 20 तो इसमें कितना अमाउंट आया भाई आपका 3025 रुपीज। ये इस कंपनी का अमाउंट आया है किसमें डिस्काउंट में, यानी कि 12100 में से इतने रुपीज ये डिस्काउंट पे दे देंगे आपको। उसके बाद इसका निकालते हैं डिस्काउंट, पता आपको 20/100 करेंगे मल्टीप्लाई में 13600, 0 से 0 कट गई भाई यहां पर, और 2 5 10 ठीक है भाई, 5 से काट लो, 5 2 10 बच गए 3, 5 7 35 बच गया 1, 5 2 10 तो ये इतना अमाउंट यहां पर आपको डिस्काउंट में देंगे 2720 रुपीज, ठीक है भाई, रुपीज लिख देना इसमें भी, लिख देना रुपीज पहले में भी। अब इसका निकालते हैं डिस्काउंट भाई, 15% है, 15/100 मल्टीप्लाई में कितना भाई अमाउंट 8000, 20 से 20 कट गया भाई, 15 8 कितना होता 120 और पीछे 0 तो ये देंगे इतने रुपीज अमाउंट डिस्काउंट पे। अब इसका भी डिस्काउंट निकाल लो, ये आ जाएगा भाई आपका यहाँ पर 10/100 मल्टीप्लाई में कितना भाई 12500, 20 से 20 कट गई, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा रुपीज 1250। चलो भाई ये सभी के हमने अमाउंट निकाल दिए, इतने रुपीज में ये डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 13600 पे वो 2720 का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं भाई, क्या निकालते हैं सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में क्या होता है, टोटल में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे, यानी कि अगर आप 8200 में से माइनस करो कितना भी 2460 तो कितना बचेगा भैया आपका, ये बचेगा 0 में से गए 0 0, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचे थे 11, 11 में से 4 गया भाई 7 और यहाँ बच गए थे 7, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा भैया आपका, अच्छा 7 में से 2 गया 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा, हमने 2 तो माइनस किया ही नहीं, ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर इतना भाई। देखा बिल्कुल सिंपल था, यहाँ पर हमने क्या किया सिर्फ माइनस कर दिया इसको, जितना टोटल अमाउंट था टोटल अमाउंट में से इतना डिस्काउंट पे गया है तो इतना यहाँ पर बच जाएगा भाई आपका ये वाला अमाउंट, ठीक है भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल जो हमने निकालना था यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला, इसमें देखिए अब इसमें भी ऐसे करना है, 12,100 में से माइनस कर देना जो डिस्काउंट था आपका। चलो भाई डिस्काउंट निकाल लीजिए, यहाँ पर कितना आएगा आपका देखिए, माइनस कर लेते हैं 10 में से 5 गया 5, ठीक है भाई, यहाँ बच गए थे 9 में से 2 गया 7, ठीक है भाई, यहाँ बच गया कितने भाई यहाँ पर, ये बच गए थे 0 में से 0 गई 0, यहाँ बचे 12 में से 3 गया 9, ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा 9075 रुपीज, ये आपका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। उसके बाद अब इसको माइनस कर लेते हैं 13600 में से, 13600 माइनस में कितना करना भाई हमने यहाँ पे अमाउंट कितना है 2720, यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे तो भी पता चल जाएगा कितने में सेलिंग प्राइस हुआ है, 10 में से 0 गई तो 0 बचेगा भाई आपका, ठीक है। उसके बाद है 10 में से 2 गया 8, ठीक है भाई, यहाँ बचे थे 5,
15 में से 7 तो जान सकता, सॉरी 5 में से 7 तो जान सकता, कैरी ले लेंगे, 15 में 7 गया 8, उसके बाद यहाँ बचा भाई कितना 12, 12 में से 2 गया 10, तो 10880 ये आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, देख लीजिए माइनस कर लेंगे यहाँ पे भी, टोटल है 8000 में से 1200, तो 6000 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, 800 कितना भाई, 6800 आपका माइनस करके आ जाएगा टोटल अमाउंट, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए सेम टू सेम 12500 में से कितना माइनस करना आपने, 1250, जीरो में से जीरो गई जीरो, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, और बचे थे यहाँ पे भाई कितने, 12, 12 में से 1 गया 11, तो 11250 आ गया भाई आपका। ये सारे के सारे मैंने क्या निकाल लिए भाई यहाँ पर, सेलिंग प्राइस निकालने, क्या निकाले मैंने यहाँ पे, सेलिंग प्राइस निकालने, बट आपको निकालना क्या है, वो रेट निकालना है जीएसटी का, कि जीएसटी आप जो दे रहे हो 18%, उसके हिसाब से आपने सभी की आउटपुट जीएसटी निकालनी है भाई यहाँ पर, तो वो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे भाई हम जीएसटी, ठीक है, आउटपुट भी लिख देते हैं भाई साथ में यहाँ पर, जीएसटी आउटपुट क्या रहेगा आपका। चलो भाई अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले जीएसटी आउटपुट में कितने परसेंट जीएसटी देनी है हमने यहाँ पर, 18% देनी है, तो अपने इस कॉस्ट का 18% निकालना, तो 18% यानी कि 18/100 इंटू में 5740, ठीक है भाई। चलो सोल्व करते हैं, जीरो से कट गया जीरो, ठीक है भाई, टू से काट देते हैं, 2 9 18, 2 5 10, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, 5 से मुझे ये काटना पहले, 5 1 5 बच गया कितना भाई यहाँ पर, 7 5 1 5 बच गए 2, 5 4 20 बच गए 4 5 8 40, अब मुझे क्या करना भाई, बचा हुआ क्या क्या मेरे पास, 9 को मल्टीप्लाई करना 114.8 से, तो कितना आएगा देखो, 9 8 72, 7 कर गया, 9 4 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा भाई 43, 4 कर गया, 9 1 9 और 4 13 का 3 1 कर गया भाई, 9 1 9 और 1 10, और पॉइंट एक पॉइंट के बाद यानी कि यहां आएगा, तो इसकी कॉस्ट कितनी आई मेरी यहाँ पर भाई, जीएसटी आउटपुट आया 1033.2, ठीक है, इसका निकल गया। अब इसका निकालते हैं सेम टू सेम, क्या करेंगे भाई, 18% करेंगे बाय में 100 मल्टीप्लाई में 9075, देखो भाई 2 9 18, 2 5 10 ये आ गया भाई, उसके बाद 5 10 50, 5 से काटो, 5 1 5 बच गए 4 भाई 40 हो गया, 5 8 40, फिर उसके बाद 5 1 5, फिर बच गया 2 भाई, 5 5 25, ये आ गया भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे भाई, देखो 9 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 9 5 45 का 5, ठीक है, 9 को इससे कर रहा हूँ भाई मल्टीप्लाई में, 9 5 45 का 5, 4 कैरी गया, 9 1 9 और 4 13 का 3 1 कैरी, 9 8 72 और 1 73 का 3 7 कैरी गया, 9 1 9 और 7 कितने हो जाएंगे भाई 16, और एक नीचे 10 था, 10 का पॉइंट यहाँ लगा देंगे, तो ये आ गया भाई आपका टोटल कितना, इक्वल का साइन डाल दिया मैंने, 1633.5 कितना आया, 1633.5। उसके बाद अब इसका करेंगे, अच्छा मैंने थोड़ा ज्यादा नीचे लिख दिया, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मैं, 10880 था ना, यहां लिख रहा हूं मैं इसको 10880, ठीक है। अच्छा अब निकालते हैं इस पे 18% का, 18/100 मल्टीप्लाई में 10880, अच्छा देखो 0 से 0 कट गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं हम यहां पर भाई, इसको 2 से काट देते हैं, 2 9 18, 2 5 10, अब क्या करता हूँ मैं 5 को इससे काट देता हूँ भाई, 5 2 10 बच गया कितना भाई, 5 2 10 हो गया, तो 8 5 1 5, उसके बाद आ जाएगा भाई आपका ये 3 बच गया, 5 7 35 बच गए 3 वापस, फिर उसके बाद 30 हो गया, 5 6 30, तो ये आ गया भाई आपका 217.6। अब इसको 9 से भी मल्टीप्लाई करना, मैंने तो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, ही लिख दूंगा, 9 6 54 का 4 5 कर गया भाई, 9 7 63 63 और 5 68, 6 कैरी गया भाई, 9 1 9 और 6 कितना हो जाएगा भाई आपका 15, 1 कैरी गया भाई, 9 2 18 और 1 19, और किसके बाद, एक डेसिमल के बाद यहां पर पॉइंट लगेगा, तो आ जाएगा 1958.4, ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब ये करते हैं, इसको भी थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, कितना अभी अपने पास है, 6800, अब इसको करते हैं, देखो यहां पे 18% निकाल रहा हूं मैं, 18/100 मल्टीप्लाई में 6800, ठीक है भाई, 20 से 20 कट गया भाई यहाँ पर, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 18 को 68 कैसे करेंगे, तो आ जाएगा भाई अपने पास 1224, ठीक है भाई, ये आ जाएगा अपने पास 1224। उसके बाद करते हैं भाई यहाँ पर अब इसको सोल्व, देखो भाई यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस तो हो गया था, ये आ गया था, अब 18% निकाल लेते हैं इसका, अलाइनमेंट हो देता हूँ मैं, 18% ऑफ 1125,
देखो भाई, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है भाई। टू से काट देता हूँ मैं, टू नाइन एटीन, टू फाइव ज़ा टेन, पाँच से ये कट जाएगा, फाइव टू ज़ा टेन, बच गया कितना भाई यहाँ पर वन, फाइव टू ज़ा टेन, फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव। अब मैंने नौ से इसको मल्टीप्लाई करना, भी देखो कितना बचेगा, नाइन फाइव ज़ा फोर्टी फाइव का फाइव, फोर कैरी गया, नाइन टू ज़ा एटीन और फोर ट्वेंटी टू का टू, टू कैरी गया, नाइन टू ज़ा एटीन और टू ट्वेंटी, टू जीरो टू फाइव कितना गया भाई, टू जीरो टू फाइव आ जाएगा भाई यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, हमने सारे के सारे जीएसटी निकाल दिए यहाँ पे, आउटपुट जीएसटी आउटपुट निकाल दी मैंने सारी की सारी। अब इसको ऐड करना है, तो मैं ऐड यहां पे कर देता हूं, टोटल आउटपुट जीएसटी लिख दो या फिर जीएसटी आउटपुट लिख दो, आउटपुट जीएसटी लिख देना, ठीक है, शुरू में पहले आ जाएगा आउटपुट, ठीक है भाई। चलो जोड़ लो इसको, सबसे पहले कितना था अपना, 1033.2 प्लस में, उसके बाद कितना है अभी अपना 1633 पॉइंट में कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर, 5 आ जाएगा प्लस में, उसके बाद 1958.4 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 1958.4 प्लस में, उसके बाद 1224 प्लस में आ जाएगा भाई यहाँ पे 2025, कितना भाई 2025। चलो भाई ये सारे के सारे आएंगे, अब इनको जोड़ना आपने अच्छे से, अगर आप इनको सम अप करते तो आपका आ जाएगा भाई 7874 पॉइंट में 10, या पीछे जीरो लगाने की भी जरूरत नहीं है, रुपीज लिख दो चाहे शुरू में। तो ये रहेगा भाई आपका टोटल सम यहाँ पर, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, देख लो, सिर्फ जीएसटी निकाल लिए, थोड़ी सी टेबल टाइप था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाइज लगा लो, बट सबसे इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। आपने सिर्फ एक ही स्टेप किया है यहाँ पर, वो था जीएसटी वाला, जीएसटी निकालना था इसमें 18% का, वो निकालकर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, जैसे भी क्वेश्चन नंबर हमने किया था सेकंड और फिफ्थ, वैसे ही करना है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। ध्यान से सुनो अब क्या बोल रहा है इसमें, मिस्टर कुमार ने रजिस्टर्ड किया भाई एक डीलर को परचेज करने के लिए गुड्स ऑफ वर्थ रुपीज 40,000, ठीक है, फ्रॉम अ डीलर सेम स्टेट, यानी कि स्टेट सेम है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका क्या रहेगा, इक्वल होगा हाफ ऑफ द टोटल जीएसटी, बट यहां पर आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो डिफरेंट स्टेट में नहीं है, सेम स्टेट में। उसके बाद इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज कितना रखा है 18%, पहले पार्ट में कैलकुलेट द इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, वो निकालते हैं भाई। देखो पहला पार्ट कर रहा हूं मैं यहां पे, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी सेम होते हैं भाई, किसके इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल, कितना भाई 18% था क्या, हाँ 18% था, तो कट क्या आ जाएगा भाई 9%, ठीक है। तो निकालो भाई, कैसे निकालोगे इन टर्म्स ऑफ रुपीस, तो सबसे पहले निकाल रहा हूं मैं इनपुट सीजीएसटी, तो 9% ऑफ किसका निकालूंगा भाई, टोटल 40,000 का, तो देखो भाई 9/100 मल्टीप्लाई में 40,000, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 9/4 = 36, तो पहला आंसर आएगा 3600 रुपीज 3600। फिर देखो भाई इसी के अंदर इनपुट एसजीएसटी सेम ही होगा वो भी, क्योंकि 9% है, वो भी सेम टू सेम ऑफ रुपीज 40,000, 40,000 का ही निकाल रहे हैं, तो 9/100 मल्टीप्लाई में कितना भी 40,000, 1 2 3 4, 4 0 2 0 से 2 0 कट गया, सेम रहेगा रुपीज 3600। ये लो भाई ये निकल गया आपका, पहला पार्ट था जो निकालना था कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, इसके सेकंड पार्ट में देखो आपको क्या बोला है, द इफ ही सोल्ड दीज गुड्स टू द मिस्टर देव, अब वो मिस्टर कुमार मिस्टर देव को बेच रहे हैं, सेम स्टेट, विद इन स्टेट है भाई, उसी स्टेट में बेच रहे हैं, 4 rupees 50,000 कैलकुलेट मिस्टर कुमार आउटपुट। अब आउटपुट जीएसटी निकालनी है भाई, अब देखो आपको पता है आउटपुट सीजीएसटी या फिर बोल सकते हो आउटपुट एसजीएसटी सेम ही होगा भाई, हाफ ऑफ द टोटल, कितना भाई 9%, ठीक है भाई। चलो अभी सोल्व करते हैं भाई इसे, देखो ये 9% है यहाँ पे, थोड़ा सा मिट गया, इसको ठीक कर लेना भाई। अब देखो कैसे निकालेंगे, आउटपुट सीजीएसटी निकाल रहा हूं पहले मैं यहाँ पे, आउटपुट सीजीएसटी देखो भाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 9% है ना, 9% को लिख दूंगा मैं 9/100 इनटू में, अब यहां पर देखो मिस्टर देव को कितने का पड़ा, वो 50,000 का, तो वहां पे 50,000 लोगे आप, कितना लोगे अब 50,000, दो जीरो से दो जीरो काट देंगे भाई, 9/5 = 4500, ये लो भाई सेम आ गया। उसके बाद देखो थर्ड, इसी के अंदर सीजीएसटी तो निकाल दिया, अब आउटपुट एसजीएसटी निकालना है, सेम ही रहेगा 9/100 मल्टीप्लाई में 50,000,
कट कट आ गया आपको पता हो जाना रुपीज 4500। ये लो भाई दोनों पार्ट निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, पेबल टोटल अमाउंट थर्ड पार्ट में पेबल सीजीएसटी और पेबल एसजीएसटी निकालना मिस्टर कुमार के द्वारा। तो थर्ड पार्ट करते हैं अब इसका, पेबल सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं सीजीएसटी। क्या निकाल रहा हूं भाई, सीजीएसटी। और ध्यान से सुन लो कैसे निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं, टोटल आउटपुट है जो सीजीएसटी की, सीजीएसटी की आउटपुट देखो कहां पे है रही, आउटपुट सीजीएसटी है 4500 माइनस करेंगे इनपुट सीजीएसटी में से। इनपुट सीजीएसटी देखो यार, इनपुट सीजीएसटी था अपना 3600, तो माइनस कर दो 3600 से तो 900 आ जाए। कितना आ जाएगा 900, ये तो निकल गया। अब हमें सेकंड पार्ट आउटपुट सॉरी पेबल एसजीएसटी निकालना है, पेबल एसजीएसटी। ये भी वही रहेगा, आउटपुट एसजीएसटी कितना भाई 4500 माइनस में, और इनपुट एसजीएसटी कितना था, इनपुट एसजीएसटी 3600, तो माइनस कर दोगे तो 900 आ जाएगा। और ये था भाई आपका यहां पर फाइनल आंसर, जिसमें आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल था, इनपुट आउटपुट और आउटपुट माइनस इनपुट करके जो आंसर निकालते हैं वही तीन चीजें चल रही हैं सेकंड में, फिफ्थ में, और अब ये कौन सा है सेवंथ क्वेश्चन। सेम पैटर्न लगा सभी में, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं भाई। यहां पर 8th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है, एक शॉपकीपर है जो बाय कर रहा है एक मशीन को, ठीक है, जिसका डिस्काउंट कितना दिया आपको 20% दिया, 20% फ्रॉम द होलसेलर, ठीक है। प्रिंटेड प्राइस ऑफ द मशीन इज रुपीज 16,000, उसके ऊपर प्रिंटेड प्राइस है जो वो 16,000 है, रेट ऑफ जीएसटी आपको दिया यहां पर 8% का, ठीक है भाई। शॉपकीपर सेल इट टू द कंज्यूमर टू एट द रेट ऑफ प्रिंटेड प्राइस, कैलकुलेट करना हमने यहां पर प्राइस एट विच द मशीन इज बोट बाय द कंज्यूमर, कितने प्राइस पे वो खरीदी गई थी, और सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालेंगे इसका भी, ठीक है, क्योंकि सेम स्टेट में होंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा यहां पर, गवर्नमेंट के द्वारा ज्यूम किया गया जो ट्रांजेक्शन। अब देखो भाई सबसे पहले क्या करते हैं यहां पर, अब यहां पर तो आपको दिख रहा है क्या लिखा भाई, ये पेबल लिखा, मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में बताता रहा हूं, जब कभी भी पेबल दिखता आपको तो आप क्या करते हो वहां पे भाई, आउटपुट माइनस इनपुट करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे निकाल लेते हैं भाई, हम आउटपुट निकालेंगे फिर इनपुट निकाल लेते हैं, पहले इनपुट निकालो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले देखो रेट कितना दे रखा भाई आपको यहां पर, कहां गया 16,000 था, ठीक है भाई, 16,000 दे रखा आपको यहां पर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई यहां पे, यहीं से कर लेते हैं शुरू से, जो आपकी कॉस्ट है रुपीज 16,000 ये रखिए भी आपको, ठीक है। अब इस पर डिस्काउंट कितने का मिला उसको भाई, 20% का मिला, कितने का मिला डिस्काउंट इसको 20% का, तो उसका डिस्काउंट निकाल लेते हैं पहले 20% ऑफ 16,000, 20 से 20 कट गई, 16 दूनी 32, पीछे कितनी जुड़ लगेंगी 2, तो 3200 डिस्काउंट आया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा फिर, डिस्काउंट के बाद आता ना सेलिंग प्राइस, तो 16,000 में से माइनस कर देंगे कितना भाई 3200, तो कितना आ जाएगा भाई, माइनस करेंगे 20 तो ऐसे आ जाएंगे पीछे, उसके बाद यहां पे है 10 में से 2 गए 8, उसके बाद यहां बचा 5 में से 3 गया 2, और यहां बच गया 1, 12,800 आ गया भाई आपका सेलिंग प्राइस। अब इसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी निकालते हैं, टोटल आपको कितना परसेंट दिया भाई, 8% दिया, और आपको पता है सीजीएसटी इज इक्वल टू होता है एसजीएसटी के, और वो इक्वल टू भाई हाफ ऑफ टोटल जीएसटी के, जो कितना दे रखा भाई आपको, हाफ ऑफ टोटल मल्टीप्लाई करो कितना भाई 8 है, तो काट दोगे तो कितना आ गया भाई 4%, ठीक है। अब निकालते हैं यहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, ऊपर कर लेते हैं उस साइड, सीजीएसटी निकाल रहा हूं वाले में क्या निकलेंगे यहां पे 4% है, यानी कि 4/100 इनटू में कितने पे निकल रहा भाई 12,800 पे, किस पे भाई 12,800 पे। चलो भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई यहां पर अपने पास 4 8 जा 32, 3 कैरी गया भाई 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 11, 1 कैरी गया 4 1 जा 4 11, 512। सेम टू सेम एसजीएसटी करना आपने, कितना होगा भाई 4/100 मल्टीप्लाई में 12,800 काटेंगे, तो फिर भाई 2 जीरो से 2 जीरो और मल्टीप्लाई करेंगे 512। चलो भाई ये तो आपका निकल गया यहां पर क्या 512 आ गया आपका, ये एक तरीके से आप इसको क्या बोल सकते हो भाई, इनपुट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो यहां पे इनपुट है, ठीक है। इसके अंदर से फिर आउटपुट आउटपुट निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे, इनपुट जीएसटी और सीजीएसटी है ये, आउटपुट देखो कैसे निकालेंगे, टोटल कितना था भाई आपका 16,000 था, कितना था सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये हम आउटपुट वाली निकाल रहे हैं, कौन सी निकाल रहे हैं भाई आउटपुट वाली, किसके को लोगा भाई हाफ ऑफ 8 के, जो किसके को लोगा 4% के। अब देखो भाई 4% निकालेंगे ऑफ किसका 16,000 का, टोटल का निकालेंगे भाई अभी यहां पर आउटपुट निकालने के लिए,
तो 4 बाय में 100 इंटू में 16,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना आ जाएगा, 16 चौके 64, 640 आ गया भाई, कितना आ गया 640, सेम टू सेम रहेगा भाई 4% ऑफ, ये सीजीएसटी था, कौन सा था ये सीजीएसटी, अब निकाल रहे हैं एसजीएसटी, वो भी सेम ही रहेगा, कितना आएगा 4 बाय में 100 इंटू में 16,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई फिर 640 हो गया भाई। चलो भाई अब यहां पे करते हैं इसको माइनस, क्या करेंगे यहां पे माइनस कर लेंगे, देखते अपना कितना बचेगा। इन्होंने क्या पूछा है, द सीजीएसटी एंड द एसजीएसटी पेबल, दोनों बताने हैं लेकिन सेपरेट करके बताने हैं, तो हम यहां पे लिखते हैं पेबल सीजीएसटी, तो उसके लिए क्या करते हैं आउटपुट, आउटपुट वाला सीजीएसटी कौन सा भी है, आउटपुट सीजीएसटी 640 है, माइनस में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी कितना था भाई 512, माइनस करो बेटा तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8 बच गया भाई, यहां बचे हैं 3, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 128 रुपए रहेगा भाई आपका पेबल सीजीएसटी। वैसे ही आपने निकालना अब पेबल एसजीएसटी, वो भी ऐसे रहेगा, आउटपुट एसजीएसटी कितना था भाई 640 लिखो, माइनस में फिर बोला है इनपुट एसजीएसटी कितना 512, सेम ही आएगा ये भी, आंसर भी सेम आएगा 128, ठीक है भाई। अच्छा ये तो हो गया अपना पेबल वाला, लास्ट में पहले पार्ट में क्या पूछा था, द प्राइस एट विच द मशीन इज बोट बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर कितने की खरीदेगा उसको, तो टोटल प्राइस कितना था अपना यहां पर 16,000 था, कितना था टोटल प्राइस था आपके पास 16,000, उसके ऊपर वो पे कर रहा है कितने भाई 640 प्लस 640 एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, तो यहां पे लिखेंगे टोटल अमाउंट भी लिख लो चाहे आप यहां पे, ये यहां पर सेकंड पार्ट किया था भाई मैंने, कौन सा किया था पहले सेकंड पार्ट किया था, अब यहां पे ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। द अमाउंट बिल कितना हो जाएगा भाई यहां पर 16,000 प्लस में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और 16,000 पे जो लगी है वही करनी है, कभी आप करो 60,000 तो ये ले लिया और सीजीएसटी एसजीएसटी ये डाल रहे हो, कौन से वाले की 12,800 वाले की, ये नहीं करना है भाई, जो 16,000 है उसमें 16,000 वाले का ही सीजीएसटी डालना है, देखो कितना था 640 और ये 640, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 16,000 प्लस में 640 प्लस में 640, ठीक है भाई। अब देखो 16,000 प्लस में 64 कितना हो गया भाई 128, पीछे जीरो है, ठीक है, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 17,280, कितना भाई 17,280 रुपीज़, ये रहेगा भाई उसका अमाउंट बिल, या फिर आप बोल सकते हो द प्राइस, कौन सा प्राइस 17,280 एट विच द मशीन इज बोट बाय द कंज्यूमर, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल आपने देख ही लिया भाई, सारे भाई तरीके कर रहे हैं हम, ठीक है नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, 9 में आपको क्या बोला हुआ है, एक होलसेलर है जो मशीन को बाय कर रहा है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर रुपीज 25,000। देखो भाई सबसे पहले आएगा मैन्युफैक्चरर, कौन आएगा भाई मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर किसको बेच रहा है, होलसेलर को बेच रहा है, किसको बेच रहा है भाई होलसेलर को, उसने 25,000 की वहां से खरीद ली है, ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द मशीन 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, जो भी उसका 25,000 था 25,000 पे वो 20% ज्यादा कॉस्ट लगाकर उसको बेच रहा है रिटेलर को, किसको भाई ये बेच रहा है होलसेलर, किसको रिटेलर को। उसके बाद रिटेलर ने क्या किया, 10% का डिस्काउंट लगाया उसके मार्क प्राइस पे, जीएसटी उसका 18% था, एज्यूमिंग दैट ऑल द ट्रांजेक्शन अकर विद इन द सेम स्टेट। अच्छा यहीं तक चलेगा बस, ये आगे जाएगा, अभी तीन बंदे हैं, अभी यहां पे देख लो, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर बेच रहा है होलसेलर को, कितने में बेचा भाई इसने 25,000 में, किसमें भाई 25,000 में। अब आगे होलसेलर दिमाग वाला बंदा निकला, इसने क्या किया, इस पे 20% जोड़ दिया और एक्स्ट्रा, और इसको बेच दिया आगे रिटेलर पे। अब रिटेलर भी आगे क्या करेगा, सेल करेगा उसे 10% के डिस्काउंट पे भाई, किस पे। चलो भाई अब ये पूरी आपकी यहाँ पे क्वेश्चन की मैंने लिख दी है पूरी की पूरी बनाकर एक फ्लो चार्ट के हिसाब से। अब यहां से करते हैं क्वेश्चन, देखो सबसे पहले हमें क्या करना भाई, हमें यहां पर निकालना है मार्क्ड प्राइस ऑफ द मशीन, मशीन का मार्क्ड प्राइस कैसे निकलेगा भाई, 25,000 की तो थी वो, उस पे 20% ज्यादा दे रहा है वो, ठीक है। तो मार्क्ड प्राइस यहां से निकालेंगे, पहला पार्ट कर रहा हूं भाई मैं यहां पे, तो कॉस्ट उसका टोटल प्राइस कितना दिया भाई यहां पर मैन्युफैक्चरर के द्वारा 25,000, ठीक है रुपीज 25,000। हमें क्या निकालना है इसका, मार्क्ड प्राइस ऑफ द मशीन, देखो भाई मार्क्ड प्राइस ऑफ द मशीन क्या होगा भाई, 25,000 में मैं ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा भाई कि उसने 20% तो जो एक्स्ट्रा ऐड किया, 20% ऑफ 25,000, ध्यान से सुन लो मैं अब क्या बोल रहा हूं, क्या अब तक किसी को ना समझ आया हो, मार्क्ड प्राइस क्या रहेगा इसका, उसने खुद बोला कि वो मार्क्ड प्राइस उस पे 20% ज्यादा लगा के देगा, किसका इसी का ही, तो 25,000 तो अलग से रख दो। चलो अब इसका 20% और निकाल लो, जो भी आएगा 20% वो उसमें ऐड कर दो,
20% को इसमें ऐड कर देंगे, बस यही करना आपने। तो देखो भाई, दो जीरो से दो जीरो कट गई, ठीक है, तो 25,000 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 दूनी 50, यानी कि 25 2 50 और पीछे दो जीरो 5,000 जोड़ दें, कितना आ जाएगा भाई 30,000 आ गया। कितना आ गया बेटा 30,000। तो जो मार्क प्राइस रहेगा भाई वो कितना रहेगा यहाँ पर 30,000 रहेगा, और ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखा बिल्कुल सिंपल था, फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है, सेकंड पे चलते हैं। रिटेलर कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, रिटेलर का कॉस्ट प्राइस निकालना है जीएसटी के साथ इंक्लूड करके। अब यहाँ पे 30,000 का तो हो गया, 30,000 का यहाँ पे हो गया, अब इस पे 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, उसके डिस्काउंट हम माइनस करते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा यहाँ पे देख लो, 30,000 में से माइनस करेंगे 10% ऑफ इट्स कॉस्ट, यानी कि 13,000 को देख लो भाई, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 3,000 आएगा, और 30,000 में से माइनस कर लेंगे 3,000 को, तो बचेगा 27,000। कितना बचा भाई 27,000 बच गया यहां पर। ये था भाई आपका यहां पर क्या चीज निकाल लिया मैंने, ये निकाल लिया 10% डिस्काउंट देने के बाद ये बचेगा। अब इन्होंने बोला है रिटेलर कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, पूरा जीएसटी लगा के बताना है। अब इसकी जीएसटी निकाल लो, टोटल जीएसटी कितनी थी अपने पास 18 था, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, क्यों, क्योंकि अकर विद इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट में हो रहा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो आपको पता है सीजीएसटी इज इक्वल टू तभी एसजीएसटी के वो था हाफ ऑफ टोटल, कितना भी 18 है, 18 का हाफ करोगे 9 आएगा, ठीक है भाई। चलो भाई सीजीएसटी निकालते पहले, 9/100 9% ऑफ कितना भी 27,000, दो जीरो से दो जीरो कट गया, चलो मल्टीप्लाई कर लो, पीछे जीरो तो आएगी, 9 से 63 का दिन कस लगे 9 18 6 24, ये आ गया भाई पहला, ठीक है। अब आपको पता जो सीजीएसटी रहता है वही एसजीएसटी रहता है, 9/100 सेम लिख दो बस सारे का सारा, क्योंकि आपको पता है सेम होते हैं, कट गया तो बचेगा 24 30। चलो भाई अब हम इसका कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, टोटल जो रिटेलर ने पे किया कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी, जीएसटी जोड़ के बोला है, इंक्लूड का मतलब होता है जोड़ना, एक्सक्लूड करना होता है मतलब बाहर निकालना। अब लिखते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट कर रहे हैं ना हम, यहाँ से ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हो आप रिटेलर सीपी, रिटेलर कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी, ठीक है भाई। देखो कॉस्ट प्राइस कितना था टोटल, ये था 27,000, कितना था भाई 27,000 था, लिख लो 27,000। अब इसमें जोड़ना है जीएसटी भी, जीएसटी क्या निकाला हमने, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों जुड़ते हैं, सेंट्रल वाला भी और स्टेट वाला भी, तो जोड़ लो 2430 दोनों बार, दो बार जुड़ेगा 2430 प्लस में 2430। चलो भाई अब जोड़ के देखो इसको कितना बचेगा यहाँ पे, पीछे 0 0 0 तो 0 रही, ठीक है, 3 और 3 6 और 0 6 आएगा, 4 और 4 8 और 0 8 आएगा, उसके बाद 2 और 2 4 4 और 7 11 का 1 का 1 करेगा 3, तो ये आ गया भाई आपका 31860। टोटल जो है सेकंड पार्ट का आंसर रिटेलर सीपी कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी कितना होगा भाई 31860 होगा, ऐसे करना था, यानी कि आपको कॉस्ट के अंदर सिर्फ जीएसटी ऐड करना था, वो आपने कर दिया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, किस पे, थर्ड पार्ट पे। अच्छा थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल बोला, फिर वापस वही आ गया यार पेबल, मैंने कितनी बार बोला पेबल आ जाता तो आप क्या करोगे डायरेक्ट आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दोगे, आउटपुट क्या निकला आपका ये रहा भाई, ये आउटपुट जीएसटी भी बोल सकते हो आप इनको, आउटपुट जीएसटी। अब आपको इनपुट निकालनी है, इनपुट जीएसटी और सीजीएसटी कैसे निकालेंगे, देखो इनपुट सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी आपका होता है किसके भाई हाफ ऑफ, मल्टीप्लाई करते हैं किससे 18 से, तो कट के कितना आएगा 9%, बट 9% किसका निकालोगे, स्टार्टिंग में सबसे पहले कॉस्ट कितनी थी 25,000, तो इसी का निकालोगे ना, तो निकालो भाई सीजीएसटी, कौन से वाला है इनपुट वाला भाई, ध्यान रखना इनपुट वाला, ये होएगा कितना भाई 9% ऑफ 9/100 मल्टीप्लाई में किसके भाई 25,000 के, किसके 25,000 के, क्योंकि मैंने बोला शुरू में 25,000 था, दो जीरो से दो जीरो कट गया भाई, और 25 में 225 होता आपको पता ही है, ये लो भैया आएगा, और जो सीजीएसटी आया वही एसजीएसटी आएगा, आपको पता सेम ही होता है, बस थोड़ा सा दिखाने के लिए लिख दो इसको फटाफट, 25,000 2 से 2 कट गई, सेम आंसर आएगा 22,50। चलो भाई अब ये तो कर दिया मैंने, अब निकालते हैं पेबल, क्या निकालते हैं पेबल सीजीएसटी और पेबल एसजीएसटी, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे पेबल सीजीएसटी, पहले सीजीएसटी निकाल लेते हैं भाई, उसमें क्या होता है आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट सीजीएसटी देखो कितना था, आउटपुट सीजीएसटी था भाई कितना 2430, कितना 2430 माइनस में, इनपुट सीजीएसटी कितना है भाई 2550,
चलो भाई माइनस करते हैं इसको, कितना बचेगा, ज्यादा दूर लिख दिया मैंने, पास में लिख देते हैं थोड़ा, ये हो गई माइनस करते हैं, जीरो में से जीरो गई जीरो, तीन में से पांच तो जान सकता, तेरह में से पांच गया आठ, यहाँ बचे तेईस, तेईस में से बाईस गया एक, ये लो एक सौ अस्सी आ गया। और सेम टू सेम पेबल एस जी एस टी रहेगा, पेबल एस जी एस टी वो भी सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों चीजें सेम है। देखो आउटपुट एस जी एस टी कितना चौबीस, इनपुट सी जी एस टी कितना भाई, एस जी एस टी कितना भाई बाई पचास, तो एक सौ अस्सी बचेगा ये भी। चलो भाई यहां पर हो चुका आपका क्वेश्चन खत्म, इनके आगे रुपीज लिख दिया करो, मैं कहीं बार रुपीज नहीं लिखता हूँ जल्दी में, ये लो भाई रुपीज लिख दिया करो आराम से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई अपना, ये नाइन्थ क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देख लिया ना, हर बार एक ही चीज कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी क्या था, अभी भी यही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, टेंथ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। टेंथ क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर सेल कर रहे हैं डिशवॉशर को टू द होलसेलर। देखो भाई यहाँ पे बना रहा हूँ वापस में भाई, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाया था, मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है भाई किसको, एक होलसेलर को, ठीक है। होलसेलर को उसने सेल किया भाई कितने रुपीज में, 18,000 में। ये बंदा इसको बेच रहा भाई मशीन जो भी डिशवॉशर है, 18,000 में बेच रहा है इसको, ठीक है। उसके बाद होलसेलर ने क्या किया, सेल इट टू द डीलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500। आगे जो होलसेलर है वो डीलर को बेच रहा है, किसको बेच रहा है भाई, डीलर को बेच रहा है। कितने रुपए में बेचा भाई इसने, 1500 के प्रॉफिट में, 1500 प्लस हो जाएंगे क्योंकि प्रॉफिट कमा रहा है वो। अब इसने क्या किया, अभी 1500 में खरीद लिया डीलर ने, और डीलर आगे सेल कर रहा है कंज्यूमर को एट द प्रॉफिट ऑफ 2500। अब डीलर भी चलाक निकला, इसने सोचा मैं भी कमा लूं थोड़ा सा, और इसने आगे बेच दिया भाई किसको, एक कंज्यूमर को, किसको, कंज्यूमर को बेच दिया भाई कितने रुपए के प्रॉफिट पे, 25 रुपए के प्रॉफिट पे। चलो भाई यहां तक तो आपको चीज समझ आ गई है, 12% का यहाँ पे इसको जीएसटी पे करना पड़ रहा है, 12% का जीएसटी पे करना पड़ रहा है सभी को, ठीक है। हर बार जब बेचते चलेंगे तो जीएसटी पे करना पड़ेगा 12%। अब सुनो ध्यान से, assuming that all the transaction occur in the same state, अच्छा आपको पता है same state में है, तो same state में क्या होता है भाई, अपना same state में होता है SGST और CGST, IGST नहीं होता है, वहाँ पर nil रहता है IGST। calculate करेंगे total amount of GST received by the central and state government, यानी कि central का मतलब है यहाँ पे CGST और state government यानी कि SGST, ये दोनों pay करने पड़ेंगे on the sale of the dishwasher from the manufacturer to the consumer। मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक सभी का आपको यहां पर क्या निकालना है भाई, अमाउंट बताना है टोटल कितना पे करना पड़ेगा। तो यहां पे दो चीजें हैं, ध्यान से सुन लो, एक तो आपको सिंगल सिंगल करके निकालना पड़ेगा हर एक का, मैं यहां पर डायरेक्ट करा रहा हूं आपको, थोड़ा इजी वे भी है और ज्यादा लेंथी भी नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कितना भी यहां पर आपके पास टोटल था 18%, ठीक है। अब आपको पता है 18% मैन्युफैक्चरर से होलसेलर गया, तो 18% का CGST इज इक्वल टू होता है टोटल कितना भी आपका 12%, ठीक है। SGST इज इक्वल टू रहता हाफ ऑफ किसका भाई, 12% का, तो आएगा 6%। 6% निकालना है, लेकिन वो कैसे निकालेंगे, देखो भाई मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने बेचा भाई किसको, डीलर को, डीलर ने फिर किसको बेचा भाई, कंज्यूमर को। तो सभी को जोड़ लेते हैं, पहले टोटल अमाउंट निकालते हैं कितना बनेगा आपका। यहां पे देखो 18,000 प्लस 1500 प्लस में 25,000, तो यहां पे देखो मैं साइड चलो नीचे कर देते हैं, जगह बची हुई अपने पास, यहाँ पे 18,000 प्लस में कितना भाई 15,000 प्लस में कितना भाई यहाँ पर 25,000, कितना भाई 25,000, तो जोड़ सॉरी 25,000 नहीं 2500 है, सॉरी मैंने 1000 लिख दिया यहाँ पे, 2500 था ना भाई, हाँ 2500 था, तो जोड़ लो भाई इसको कितना होगा, ये 1500 है यहाँ पे, 25 और 5 30 और 10 40 18 और 4 22, तो क्या भाई यहाँ पे 22,000, कितना भाई 22,000 हो जाएगा रुपीज यहाँ पर टोटल, 22,000 बोल सकते हो आप यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर निकालेंगे हम यहाँ पर भाई क्या CGST और SGST, देखो भाई CGST निकालते हम 6% ऑफ किसका भाई 22,000 का, 22,000 का कितना आएगा, देखो भाई 6/100 मल्टीप्लाई में कितना भाई 22,000, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 1320 भाई कितना आ गया 1320 रुपए। ऐसी SGST निकाल लेंगे यहाँ पे भाई 6/100% ऑफ 22,000, दो जीरो से दो जीरो कट गया 1320, ठीक है भाई। अब उसके बाद CGST भी हो गया, SGST भी हो गया आपका। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, देखो क्या पूछा था उन्होंने, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द होलसेलर फॉर द डिशवॉशर, ये तो आपका GST आ गया, ठीक है, जो आपका फाइनल आंसर मिलेगा पीछे आपको ₹1320 मिलेगा भाई आपको पीछे आंसर। अब निकालना हमने अमाउंट, द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, अमाउंट बिल लिख देता हूं मैं यहां पे,
देखो भाई टोटल कितना था अपने पास 22,000, लिखो 22,000 प्लस में कितना भाई 1320 सीजीएसटी लिखोगे, टैक्स पे कर रहा वो, और एसजीएसटी भी लिखोगे जो टैक्स पे किया उसने, ठीक है भाई। अब देखो जोड़ दो 22,000 प्लस में, जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 13 13 26 पीछे 4 और 0 ये आ गया भाई। अब 22 और 2 कितना होता है 24,640, कितना हो जाएगा भाई 24,640, 22 और 2 24 और पीछे 640 है, तो आ जाएगा ये आ गया भाई आपका सेकंड पार्ट का आंसर। इतने रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे कंज्यूमर को डिशवॉशर के लिए, अमाउंट इतना पे करना पड़ेगा। अच्छा मैंने इस क्वेश्चन को देखो कितना छोटा सा कराया है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है भाई, कुछ स्कूलों के अंदर वैसे तो आंसर यही, आप एग्जाम उसमें बुक में जाके पीछे देखोगे तो आपको आंसर यही मिलेंगे 1320 1320 और ये 24,640, ठीक है। लेकिन कुछ टीचर हैं कुछ स्कूल के अंदर, अगर वो आपको कराएं ऐसे, कहीं कहीं स्कूलों में अलग अलग मेथड कराते हैं भाई, जैसे यहाँ पे 18,000 था, 18,000 का भी निकालना भाई यहाँ पे 6 बाय में 18,000, फिर ऐसे करके 1500 जोड़ा तो कितना हो गया था 18 और 15 19 15, कितना भाई 19,500, ठीक है। फिर 19,500 का भी 6/100 करके निकाला, ऐसे अलग अलग हो सकता है, इसमें भी अलग अलग हो सकता है, बट मैंने डायरेक्ट किया है यहाँ पर क्या, एक तो टोटल अमाउंट बाद में कितना पे करना पड़ा ये था भाई, हम सारा इकट्ठा जोड़ के मैंने 22,000 कर दिया था, देखो यहाँ पे पूरे का पूरा अमाउंट लगा के बाद में जो हमने होल्स कंज्यूमर को बेचा ना यहाँ पे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक बताना था हमने, यानी कि हमने सिर्फ कंज्यूमर का बताया है यहाँ पर, ठीक है। अगर बीच के स्टेप्स भी कराए जाएं आपको, यानी कि मैन्युफैक्चरर ने डीलर को उसको होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने डीलर को बेचा, अलग अलग निकालेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन बनता है ये, कम से कम 2-3 पेज भर जाएंगे, 2-3 बार बोर्ड लिखना पड़ेगा मुझे रब कर करके, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, स्कूलों में कुछ में अलाउ करते हैं कुछ में नहीं, वो देख लेना आप, अगर ना भी करें तो आप सिंपल है, मैंने आपको बता दिया है 18,000 है यहाँ पे, 18,000 था ना, हाँ उसको 6% निकाल लो भाई, जो भी आंसर आएगा वो लिख देना, ऐसी सीजीएसटी और एसजीएसटी हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 19,500 है, 19,500 हो जाएगा बाय में मल्टीप्लाई में 6/100, इसका भी ऐसे निकाल लो, फिर ये हो जाएगा, तो फिर 22,000 वाला तो मैंने कर ही दिया, फाइनल आंसर तो यही आएगा बेसिकली, बट आपको अगर बीच के स्टेप्स भी कराए जाएं तो कर लेना, वो बिल्कुल ईजी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं भाई। यहाँ पर 11th क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है, एक शॉपकीपर है जो बोट कर रहा है एयर कंडीशनर को, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पे एसके, यहाँ पे शॉपकीपर है भाई जो बोट कर रहा है एयर कंडीशनर को, ठीक है, एट द डिस्काउंट ऑफ 20%, कितने परसेंट पे भाई 20% के डिस्काउंट मिल रहा है उसको, फ्रॉम अ होलसेलर, किससे भाई होलसेलर से। अच्छा यहाँ पे पहले मैं होलसेलर लिख देता हूँ भाई, होलसेलर से शॉपकीपर खरीद रहा है, ठीक है, होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा भाई एक एयर कंडीशनर 20% के डिस्काउंट पे। उसके बाद फिर वो 28,000 का था टोटल, अगर शॉपकीपर सेल कर रहा है कंज्यूमर को, किसको भाई शॉपकीपर ने आगे बेच दिया कंज्यूमर को, कितने पे बेचा भाई उसको, उसने बेचा उसे कंज्यूमर को डिस्काउंट ऑफ 10%, इसने सिर्फ इसको 10% का डिस्काउंट दिया है, टू ऑन द प्रिंटेड प्राइस, उसके प्रिंटेड प्राइस पे जो कि कितना था भाई 28,000 था, जीएसटी रेट हमारा यहां पर 18% दिया है, इन सभी के ऊपर जीएसटी कितना लग रहा है भाई 18% लगा हुआ है। उसके बाद द जीएसटी मतलब की सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना है पेबल बाय द शॉपकीपर ऑफ द गवर्नमेंट। देखो भाई सीजीएसटी और एसजीएसटी मीन्स ये इंट्रा स्टेट वाली कंडीशन है, यानी कि स्टेट के अंदर ही सामान को बेच रहा खरीद रहा है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, होलसेलर से किसके ऊपर भाई शॉपकीपर पे जाते हैं, जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे 20% को उसके डिस्काउंट बोल दो या कैसे बोल दो, उसकी छूट दे रखी है उसने, तो निकाल लो भाई से। पहले आपको प्रिंटेड प्राइस कितना है, पीपी का मतलब प्रिंटेड प्राइस है भाई, कितना ये 28,000 ये दे रखा उसको 28,000। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका निकालते हैं यहाँ पर भाई शॉपकीपर का कितने में मिला शॉपकीपर को, ठीक है, प्राइस फॉर शॉपकीपर। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 28,000 में से माइनस कर दूंगा, कितना माइनस करूं, कितने का डिस्काउंट मिला उसे 20 का, तो 20 का डिस्काउंट मिला तो 20% ऑफ कितना भाई 28,000, ठीक है ना। मैं टोटल प्राइस में से इसी का ही 20% डिस्काउंट मिला तो उसको माइनस कर दूंगा तो एक्चुअल प्राइस आ जाएगा ना। तो देखो भाई 20 से 20 कट गया यहाँ पर, कितना बचा ये 28,000, यहाँ पर माइनस कर देंगे इसको किससे भाई, 2.5 कितना होता है 56 होता है, तो आ जाएगा 560 यहाँ पर और पीछे 0 है, यानी कि 5,600 रुपये उसको डिस्काउंट में मिले हैं यहाँ पर, तो माइनस कर देंगे तो एक्चुअल प्राइस आ जाएगा भाई। देखो यहाँ पे माइनस करते हैं 20 20 तो पीछे रहेंगे एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे 10 है यहाँ पे 6 है तो 4 बचा भाई, यहाँ पे बचा कितना भी यहाँ पर, यहाँ पे बच गया अपने पास 7 में से 5 गया 2, तो 22,400 रुपये यहाँ पर बचे अभी अपने पास, अगर मैं 400 इसमें जोड़ू तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 और 2 28, ठीक है हाँ इतना ही आएगा। तो इतना प्राइस है भाई डिस्काउंट के बाद। अब इसके ऊपर निकालता हूँ मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी, आपका इनपुट सीजीएसटी रहेगा और इनपुट ही एसजीएसटी, क्यों, क्योंकि हमें पेबल निकालना है, क्या निकालना है
पेबल, और पेबल में हम क्या करते थे, आउटपुट में से इनपुट माइनस करते थे, तो दैट्स व्हाई हमें इनपुट भी और आउटपुट भी चाहिए। अब मैं इस प्राइस का यूज करूंगा इनपुट सीजीएसटी निकालने के लिए, तो मैं यहां पे कर रहा हूं भाई बाकी अगले वाला, इनपुट सीजीएसटी निकाल रहा हूं मैं यहां पे, इज इक्वल टू होगा इनपुट, सेम ही रहते हैं आपको पता है एसजीएसटी जो रहता है हाफ ऑफ किसका भाई, टोटल कितना है 18 है और 12 है 18 है ना, हाँ 18% जीएसटी है तो रहेगा 9% के, किसके भाई 9% के इक्वल रहेगा, तो यही सोल्व करना अब हमने, चलो करते हैं भाई सोल्व। तो सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी देखते हैं, सीजीएसटी कितना रहेगा भाई 9 बाय में 100 मल्टीप्लाई में कितने का पड़ा भाई, इसे वो 22400 का लिखो यहाँ पे 22400, 20 से 20 कट गई, मल्टीप्लाई करो भाई, देखो इसको 9 चौक 36 का 36 लगे 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 21 लगे 2, 9 दूनी 18 और 2 20, तो कितने का पड़ा वैसे 2016 का पड़ा है, कितने का पड़ा 9 चौक 36 का 36 लगे 3, 9 दूनी 18 और 3 21 लगे 2, 9 दूनी 18 और 3 18 और 2 बन जाएंगे भाई 20, ठीक है तो 2016 का पड़ा उसको। अब नेक्स्ट सेम टू सेम निकालते हैं भाई इनपुट SGST, सेम ही रहता आपको पता 9 बाय 100 आएगा मल्टीप्लाई में 22400 आएगा इज इक्वल टू 20 से 20 कट गई 9 4 36 3 कैरी गया भाई 9 2 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, फिर वही ऊपर वाले ही सेम टू सेम लिख दो उठा के मल्टीप्लाई क्या करना है, ठीक है भाई। तो 2016 और 2016 यानी कि 2016 आ गया आपका यहां पर इनपुट CGST और इनपुट ही SGST। अब निकालते हैं आउटपुट, लेकिन आउटपुट के लिए हमें कॉस्ट भी चाहिए, कॉस्ट कितनी है भाई यहां पे देखो कहां गया अपना वो, ये रहा 10% का डिस्काउंट मिलेगा उसे भाई यहां पर, अब 10% का डिस्काउंट मिल रहा है उसको किस पे भाई 28,000 पे, तो चलो 10% का डिस्काउंट निकालते हैं, कंज्यूमर प्राइस क्या रहेगा भाई, कंज्यूमर प्राइस निकाल रहा हूं मैं यहां पे पहले, तो टोटल कितना था 28,000 में से मैं माइनस करूंगा 10% यानी कि 10 बाय 100 ऑफ कितना भाई 28,000, चलो भाई 20 से 20 कटेगी और ये आएगा भाई 28,000 में से माइनस करना आपने 2800 ही, ठीक है तो कितना बचा भाई आपका, देखो यहाँ पर 20 में से 20 जाएंगे तो सेम रहेगा, उसके बाद ये है 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ बच गए थे भाई कितने 7 में से 2 गया 5, ये लो भाई 25,200 है। अब ये है 25,200 टोटल अमाउंट जिसके ऊपर अब हम सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालेंगे, किसका भाई आउटपुट का, ये इनपुट का तो निकाल दिया, आउटपुट का निकाल रहा हूं मैं, तो देखो भाई आउटपुट CGST, अब आपको पता है वो मैं बार बार नहीं लिखूंगा यार, ये वाला हाफ ऑफ 18 का 9% तो पता ही है तुम्हें आएगा, तो मैं सीधा 9% निकाल रहा हूँ, 9% ऑफ 25,200, चलो भाई 20 से 20 कट गई, यहाँ पर ये 2 बचा हुआ है, तो देखो 9 को 2 से करूंगा 9 2 18 1 कैरी गया भाई 9 5 45 चले गए 46 लगे 4 9 2 18 और 4 22 ये आ गया अभी आपका 2,268, ठीक है 2,268 आ गया आपका। सेम टू सेम करेंगे वापस आउटपुट SGST के लिए भी, ठीक है तो वही रहेगा 9 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 25,200, काट दो भाई 20 से 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 ऊपर वाला सेम टू सेम आ जाएगा भाई 2,268, ठीक है चलो भाई अब इसको सोल्व करते हैं, काट पीट लेते हैं जो जो अपना बचेगा यहां पर वो रख लेंगे। अब पहला पार्ट यहां पे सोल्व हो रहा है, वैसे तो इस पूरा पहला पार्ट करने जा रहा था ना, अब पहले पार्ट का मेन चीज करते हैं, पेबल निकालते हैं, पेबल कौन सा निकालना भाई, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों निकालने, पहले सीजीएसटी निकाल लेता हूं मैं। अब आपको पता आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट, आउटपुट सीजीएसटी कितना था भाई 2268 माइनस में इनपुट सीजीएसटी कितना था भाई, देखो वो रहा 2016 माइनस करते हैं 8 में 6 गया 2 बचेगा भाई, उसके बाद यहां पे बचा 6 में से 1 गया 5 बचेगा भाई, ठीक है उसके बाद 22 में से 20 गया 2 252 आ गया भाई, इसके आगे रुपीज लिख लेना यार, रुपीज लिख लो 252। ऐसे पेबल एसजीएसटी भी निकालना पड़ेगा, सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों चीजें सेम थी भाई, ये तो माइनस करोगे ये भी सेम टू सेम 252 आ गया भाई। चलो भाई पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया, पहला पार्ट में जो निकालना था 252 हमने निकाल दिया भाई यहां पर, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में बोला है अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द कंडीशनर, कि एयर कंडीशनर के लिए कितना अमाउंट टोटल पे करेगा वो, ठीक है कंज्यूमर वाला कौन सा था भी, ये वाला था कंज्यूमर का पार्ट, 25,200 तो देना पड़ेगा, बिल अमाउंट बना रहा हूं मैं यहां पे, बिल 25,200 तो देने पड़ेंगे क्योंकि ये प्राइस है उसका, प्लस में टोटल क्या देना उसके साथ साथ उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी भी पे करना, दोनों सेम है भाई तो जोड़ दो ये भी साथ में इसी के, इतना जीएसटी साथ में जुड़ेगा उस बिल के अंदर, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा वो जोड़ लो, देखो 8 8 16 16 और 0 16 ही रहेगा, 16 का 6 कैरी गया भाई, 6 6 12 और 1 13 का 3 का, ठीक है भाई 1 कैरी गया, फिर 2 और 2 4 और 1 5 5 और 2 7 भाई, उसके बाद 2 और 2 4 4 और 5 कितना हो गया भाई 9,
और आगे दो तो 29,736 रुपीज, आगे रुपीज लिख लो, इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा कंज्यूमर को इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, जीएसटी साथ में लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये प्राइस था, ये दोनों जीएसटी मतलब कि सीजीएसटी और एसजीएसटी है, पूरा टोटल जीएसटी हो गया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, तो इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं, अभी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको ताकि प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में जाके किसी क्वेश्चन के अंदर, तो अभी पूछ लेना, साथ साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके भी। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भी, 12 करते हैं यहाँ पर। 12th के अंदर आपको एक टेबल मिलेगी बुक के अंदर, देख सकते हो आप यहाँ पे, डीलर है जो दिल्ली का सप्लाई कर रहा है कुछ आइटम्स, सेवरल आइटम्स अनदर डीलर को दिल्ली में, सेम स्टेट है तो आईजीएसटी और सीजीएसटी लगता है आपको पता है, एंड द आइटम्स फॉल इनटू द डिफरेंट जीएसटी स्लैब्स, अलग अलग जीएसटीज लगता है उनके ऊपर भाई, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल डिटेल्स इन द गिवन बिलो। तो सबसे पहले आपको देखो आइटम्स रखे हैं ए बी सी डी के नाम से, क्वांटिटी 40 पीस, 50 पीस, 150 पीस और 160 पीस गए हैं, एक पीस का प्राइस कितना भाई 100 रुपए, तो मैंने यहाँ पे अलग इस टेबल के अंदर ही कुछ मर्ज किया भाई, उसी के अंदर मैं डायरेक्ट कर दूंगा, आप देख लो यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालो पहले, 40 को इससे करोगे कितना आ जाएगा भाई 4000, कितना आ जाएगा 4000, 50 को करोगे इससे 5 × 8 = 40, 4000 रहेगा ये भी, ठीक है 15 × 40 और ये हो जाएगा अभी यहाँ पे, अब 15 को 4 से करते हैं, 15 × 6 = 60, 6000 इसका आ जाएगा भाई, उसके बाद 16 × 5 = 80 होता है भाई 8000 इसका आ गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर यह रहेगा आपका कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट देख लिया, अब क्या करना है हमने, इसको डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट का डिस्काउंट को प्राइस में निकालना भी, अगर मैं 4000 पे 15% का डिस्काउंट करूं तो कितना प्राइस मिलेगा मुझे, तो 15 का उल्टा कितना होता है 85, तो मुझे निकालना है यहाँ पे 85% ऑफ किसका भाई 4000 का, तो देखो भाई 85/100 × 4000 कितना आएगा सोल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब देखो 5 × 20 = 0, 2 कह रही गया भाई, ठीक है 4 × 5 = 20 = 2 कह रही गया, 4 × 8 = 32 और 2 = 36 34 आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 3400, कितने का यहाँ पर रहेगा अपना 3400 का रहेगा, ऐसे सेम टू सेम देखो 20% है, 20 का उल्टा कितना होता है 80, तो हमें 80% निकालना है भाई किसका, 80% ऑफ 4000, तो 80y में कितना भाई 100 इंटू में कितना करेंगे 4000, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 × 32 तो आ जाएगा 3200। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो 10 का उल्टा होता है 90%, 90/100 इंटू में किसका निकालना भाई 6000 का, तो 6000 का निकाल लो, तो कितना बचेगा आपका 2 जीरो से कट गई 2 जीरो 9 × 6 = 54, 5400 आ गया भाई। ठीक है, फिर 5 का उल्टा होता भी 95, कितना होता है 95/100 इंटू में कितना भाई 8000, कितना 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मल्टीप्लाई कर लो 8 × 5 = 40 की 0 और एक और 0 ये बची हुई, 2 जीरो तो गई 4 कैरी गया भाई, 8 × 9 = 72 और 4 = 76। चलो भाई अब हमने प्राइस निकाल लिए, यानी कि 4000 पे अगर 15% का डिस्काउंट मिलेगा तो कितना प्राइस आएगा 3400, और अगर मैं यहाँ पर 4000 पे कितने का 20% का डिस्काउंट तो करूंगा तो कितना आएगा भाई 3200, अगर मैं 6000 पे 10% का डिस्काउंट करूंगा तो कितना आएगा 5400, 8000 पे 5% का डिस्काउंट करूंगा तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे ये पीछे परसेंटेज भी लगा दो, मैंने शायद परसेंटेज नहीं लगा इनके, तो परसेंटेज भी लिख दो अगर लिखनी है तो। चलो अब जीएसटी पे चलते हैं भाई, अगर जीएसटी यहाँ पर 8% देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है भाई जीएसटी, अगर हमें यहाँ पर 8% देना पड़ रहा है तो टोटल यहाँ पर जीएसटी इन रुपीज कितना जाएगा अपना, तो 8% निकाल लो भाई किसका 3400 का, किसका निकालोगे यहाँ पे 3400 का निकालोगे 8%, तो 8% ऑफ 3400 कितना आएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 × 32 का 2 कैरी गए भाई यहाँ पर, 8 × 3 = 24 = 2 = 26, चलो भाई 262 आ गया। ठीक है, अब 12% निकालो भाई, 12/100 मल्टीप्लाई में किसका निकालना भाई 3200 का, किसका 3200 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए भाई यहाँ पे, 12 × 2 = 24 का चरकस लगे दो, 12 × 36 = 2 = 38, 384 ठीक है, 12 × 2 = 24 का चरकस लगे दो, 12 × 36 = 2 = 38, ठीक है भाई आ गया। 18% निकाल लो किसका भाई 5400 का, 18/100 × 54, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए भाई, 8 × 72 का 2 + 6 = 60, 8 × 5 = 90 और 7 = 97, 992 आ गया भाई। ठीक है, ये उसके बाद फिर नेक्स्ट करते हैं भाई, 76 का 5% निकालना है, तो 5% यानी कि 5/100 × 7600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए भाई यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 30 = 3, 5 × 35 = 38, ये लो भाई 380, सभी के मैंने यहाँ पर जीएसटी इन रुपीज भी निकाल दिए। अब अमाउंट क्या होता है भाई हमारा, अमाउंट होता है
प्राइस प्लस में जीएसटी, टोटल अमाउंट निकाले ना, प्राइस प्लस जीएसटी निकालेंगे यहाँ पे, तो प्राइस कितना भी अपना 262 और यह है 4000, तो लिखो 4000 प्लस में 262, तो कितना हो जाएगा भाई अपना यहाँ पर टोटल जुड़कर, अच्छा सॉरी 4000 नहीं लिखना था मैंने, गलती से 4000 लिख दिया, डिस्काउंटेड प्राइस लेना होता ना, 3400 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3400, तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 3 और 2 6 36 62, ये आ जाएगा भाई आपका, कितना आ जाएगा 3662, पहला प्राइस ये रहेगा आपका जिसके अंदर आपका ये आ जाएगा अभी, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी ये गलती होगी मेरे ख्याल से, यहाँ पे 7 आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 7 आएगा, क्योंकि 8 3 24 3 27 होते हैं, कितने होते हैं 27 होते हैं भाई, कितने होते हैं 27, देख लो वापस देख लो मैं बता देता हूँ, 8 4 32 का 2 3 कैरी गया भाई यहाँ पे, 8 3 24 24 और 3 27 होगा, 272 आएगा यहाँ पे, और ये जुड़कर आएगा 3672, ठीक है। सॉरी ये गलती हो गई थी यहाँ पे कैलकुलेशन की, ध्यान रखना आपने भी। अब यहाँ पे देखो भी जोड़ लेते हैं, 384 को किसके साथ जोड़ना हमने यहाँ पे 3200 के साथ, किसके साथ यहाँ जोड़ेंगे हम 3200 को 384 से, ठीक है भाई जोड़ दो, चलो देखो कितना आएगा, 8 4 तो बाद में ऐसे आएंगे, 3 और 2 5 और ये आ जाएगा भाई 3584, कितना 3584 आ जाएगा। अब जोड़ते हैं इसको भाई, देखो 5400 में जोड़ना हमने कितना 972, तो कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे देखो, पीछे 72 तो एजिटीज रहेगा, और 9 और 4 13 का 3 1 कैरी गया 6 6372 जुड़ गए अभी। अब 7600 में 380 जोड़ना, अभी कितना जोड़ना है 7600 में 380 जोड़ना है, तो जोड़ो भाई देखो, पीछे 80 तो एजिटीज आएगा, और 6 और 3 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सॉरी 7, शुरू में कितना था 7 था ना, तो शुरू में 7 लिख देना भाई, 7980, ये लो भाई सारे के सारे मैंने जोड़ दिया अमाउंट। अब हमें टोटल अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है हमें टोटल अमाउंट, यहाँ कर रहा हूँ ऊपर भाई टोटल अमाउंट विद जीएसटी, तो ये सारे ही हैं, जोड़ लो भाई कितना कितना है 3672, देखो यहाँ पे 3672 प्लस में यहाँ पे कितना 3584 और यहाँ पे 6372 प्लस में 6372 प्लस में कितना भाई यहाँ पे 7980 तो कितना आ जाएगा भाई देखो यहाँ पे जोड़ लेते हैं अब सभी को, पीछे की जीरो देखो पहले कितना आएगा 4 2 6 6 2 8, 8 को जीरो से जोड़ते हैं 8 ही आएगा भाई। उसके बाद देखो भाई 8 प्लस में 7 15 15 और 8 आपको हो जाएगा यहाँ पर भाई 23 और 7 30 30 की जीरो यहाँ पे लगा दी मैंने और 3 गया भाई कैरी अपना, कहाँ गया 3 कैरी चला गया, यहाँ लगा लो 3 चलो। उसके बाद 9 और 3 12 12 और 3 15 15 और 5 20 20 और 6 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 26 तो 2 कैरी चला गया फिर भाई आगे। चलो अब देखो 7 और 2 9 9 और 6 कितना होता भी अपने पास यहाँ पे 15 15 और 3 18 18 और 3 21 तो आ जाएगा भाई यहाँ पे 21 तो आ जाएगा रुपीज 21,608 आपका टोटल आ गया यहाँ पर, आपने जो निकालना था बिल का अमाउंट टोटल, ये पूछा था ना उन्होंने कि कितना अमाउंट होगा बिल का, वो बता रहा हमने फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल, तो टोटल अमाउंट कितना आया भाई 21,608। इस तरीके से आपने करना था इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना भाई, अच्छे से करना है कैलकुलेशन, प्रॉब्लम आ जाती है कैलकुलेशन से, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं भाई, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला आपको, एक साइकिल मैन्युफैक्चरर है गाजियाबाद यूपी में, अभी कोई मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर नहीं यूपी, ठीक है, वो बेच रहा है किसको भी अपना साइकिल बेच रहा है डीलर को जो भी यूपी में है, ठीक है वो भी यूपी में है भाई डीलर कोई, ठीक है जिसको बेच रहा है वो। उसके बाद और कॉस्ट कितनी लगाई है उसने, उसने लगाई है कॉस्ट यहाँ पे 16,000। अच्छा उसके बाद द साइकिल वॉज देन सोल्ड टू अ डीलर इन उज्जैन एमपी, अच्छा यहाँ से फिर वो दूसरी जगह बेच रहा है जिस जहां पर है, किसको बेच रहा है, डीलर को बेच रहा है वापिस वो आगे जो रहता है एमपी में, ठीक है उज्जैन एमपी है यहाँ पे। अब ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर वो बेच रहा है 17,500 का, ठीक है भाई उज्जैन एमपी 4 rupees 7500। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिए यहाँ पे दो कंडीशन लगी है, कितनी लगी है दो कंडीशन, पहले देखो स्टेट सेम है यहाँ पे यूपी यूपी, ठीक है दोनों के दोनों सेम है, इंट्रा स्टेट लगेगी यहाँ पे कंडीशन, एसजीएसटी और एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों निकालने पड़ेंगे, बट सेकंड केस देखिए यूपी से एमपी गया भाई वो, तो वहां पर लगेगी इंटर स्टेट, यानी कि वहां पर आईजीएसटी लगेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगी वहां पर, वहां पर एसजीएसटी और सीजीएसटी निल रहेगी, बट यहां पर आईजीएसटी लगेगी और यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी, ठीक है भाई। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना, सबसे पहले निकालते हैं 16,000 पर सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है तो देखो भाई कॉस्ट कितनी देखिए आपको ₹16,000। अब पेबल निकालना ना, पेबल का मतलब तो सभी को पता है, आउटपुट में से मेरे इनपुट माइनस करते हैं, पहले मैं इनपुट निकाल रहा हूं भाई यहां पे, इनपुट सीजीएसटी आपको पता है क्या होती है भाई, हाफ ऑफ द टोटल जीएसटी, कितना भाई टोटल जीएसटी 12%, 12 का हाफ करते कितना आता भाई 6%,
सिक्स बाय में 100 इंटू में कितना भाई 16,000, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 36 का 6, 3 कैरी गया 6 6 3 9, तो 960 आ गया, कितना आ गया भाई 960। और आपको पता है इनपुट एस जी एस टी भी सेम ही रहता है, वो भी 6/100 मल्टीप्लाई में 16,000 सॉरी काटोगे तो 2 0 2 0 960 आएगा भाई, कितना आएगा। अच्छा इनपुट और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं यहाँ पे हम किसके लिए 17,500 के लिए। कॉस्ट देखिए यहाँ पे कितनी, अभी कॉस्ट दिया आपको 17,500। अब यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं निकलेगा, यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा क्योंकि इंटरस्टेट कंडीशन है, यहाँ पे इंटरस्टेट नहीं है अभी यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आईजीएसटी है हमारा किसके इक्वल होता है भाई, वो जीएसटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो आईजीएसटी कितना होगा भाई यहाँ पर, ये कितना 12% है, तो आईजीएसटी कैसे निकालेंगे यहाँ पे, 12% ऑफ टोटल कॉस्ट कितनी अभी 17,500, तो 2 0 से 2 0 कट गई, तो कितना आएगा भाई यहाँ पर देखो, मल्टीप्लाई करो 12 0 0 12 5 60 की जीरो से लगे 6, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर, ये सॉरी दो मैंने 2 0 लगा दी क्या यहाँ पे, सॉरी 1 0 लगेगी, 2 0 से 2 0 कट गई भाई, ये बचा ये 12 5 60 की जीरो से लगे 6, 12 23 83 और 6 90 की जीरो 9 करेगी, 12 12 9 21, तो 2100 आया भाई यहाँ पे कॉस्ट आपके, ठीक है। तो अब निकालते हैं पहला जो पार्ट था इस क्वेश्चन का, पेबल टैक्स निकाल रहे थे ना हम यहाँ पे आगरा के अंदर, जीएसटी पेबल, जीएसटी क्या रहेगी आपकी आउटपुट, ये आउटपुट वाली अभी कौन सी है, ये आउटपुट, आउटपुट टोटल कितनी है 2100 है, इसमें से माइनस करोगे आप क्या इन दोनों का सम, इनपुट का कहाँ गया, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कितनी है भाई दोनों 960 960 960 प्लस में 960। चलो भाई सोल्व करते हैं, 2100 में से माइनस करेंगे कितना भाई 0 0 0 6 6 12 2 क्या करेंगे 9 9 18 1 19, ये माइनस करना तो कितना बचेगा भाई 80 और 180 बचेगा भाई, कितना बचेगा 180 बचेगा क्योंकि 80 करेंगे 2000 और 100, हाँ 180 बचेगा, ये आएगा भाई आपके पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में देखो अब क्या पूछा आपसे, पूछा था इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईटीसी भी बुलाते हैं फॉर द डीलर इन उज्जैन, उज्जैन में, उज्जैन वाला लास्ट वाला पार्ट था ना भाई अपना एमपी के अंदर, ठीक है। तो लास्ट में कितना आईजीएसटी पे किया था इसने भाई 2100, ठीक है, यानी कि 2100, तो यही आपका क्या रहेगा भाई यहां पर आईटीसी रहेगा, तो आईटीसी कितना आएगा भाई नेक्स्ट आप लिख सकते हो आईटीसी फॉर द डीलर, आईटीसी फॉर द डीलर इन एमपी उज्जैन, ठीक है भाई, कितना रहेगा वो रहेगा 2100 सेम ही आएगा, और यहां पर यही था इसका आंसर भी फाइनल 2100। तो दो आंसर आएंगे इसके, एक 180 आएगा एक आएगा 2100, आगे रुपीज लिख लो, यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है भाई, 13 वाला बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं भाई, 14 में देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, बट इजी बहुत है, ध्यान से सुनो। यहां पर तीन बंदे हैं भाई, मिस्टर शाह है यहां पे, देखो मैं लिख रहा हूं पहले क्वेश्चन के बारे में, मिस्टर शाह सेल कर रहा भाई, यहां पर एक जीएसटी चेंज चली हुई है डीलर्स की, मिस्टर शाह परचेज कर रहे हैं आर्टिकल को 50,000 में, ठीक है, एंड सप्लाई कर रहे हैं इसको अनदर डीलर मिस्टर परेश को, ठीक है भाई, आगे है मिस्टर परेश, उसको बेच रहे हैं, उसके बाद फिर आते हैं आगे नेक्स्ट कौन है भाई डीलर, नेक्स्ट डीलर है, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा साइड में मिसेज परे, मिस्टर परेश बेच रहे हैं भाई मिसेज गुप्ता को, ठीक है, आगे मिसेज गुप्ता है भाई, ठीक है, इसको बेच रहे हैं कितने रुपए में भाई 4000 के प्रॉफिट में, ठीक है भाई, और यहाँ पर ये 50,000 में टोटल बेच रहे थे, और ये वाला बंदा जो आगे बेच रहा भाई 5000 के प्रॉफिट में, ठीक है, सॉरी 6000 के प्रॉफिट में, डीलर मिस्टर प्रेस एट अ प्रॉफिट ऑफ 6000, ये है यहाँ पे 6000 का प्रॉफिट, ये है यहाँ पर 4000 का प्रॉफिट, ठीक है, लिख दिया मैंने, तो ये चेन चली जा रही है अभी पूरी की पूरी, एक समान है जिसको मिस्टर साहब बेच रहे हैं मिसेस परेस को 50,000 में 6000 का प्रॉफिट ले रहे हैं, और यहाँ पर ये बेच रहे भी आगे मिसेस गुप्ता को 4000 का प्रॉफिट ले रहे हैं, आगे मिसेस गुप्ता किसी को नहीं बेच रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये चेन खत्म हो जाती है। तो हमने निकालना क्या भाई, पहला पॉइंट देखो, पहला पार्ट कहाँ पे, ये रहा आईटीसी निकालना, इनपुट हमारे पास आईटीसी की फुल फॉर्म क्या थी भाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द मिसेस साहब, ये निकालना अभी सबसे पहले, तो सिंपल है 50,000 के ऊपर भी कितना टैक्स लग रहा है वो निकालना आपने, और साथ साथ क्या कंडीशन बोली है, इंट्रास्टेट कंडीशन, इंट्रास्टेट कंडीशन कौन सी थी, मैंने आपको बताया था पहले भी, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी निकलता आईजीएसटी नहीं निकलता है, तो निकाल लेते हैं भी, टोटल जीएसटी अपने पास कितना भाई यहां पर 18% है, 18% का निकालते हैं यहां पे, पहला पार्ट कर रहा हूं मैं यहां पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी हमारा कितना होगा भाई, हाफ ऑफ 18% इज इक्वल टू हो जाएगा 9%, ठीक है भाई। चलो भाई शुरू करते हैं, देखो पहले निकालता हूं मैं
सीजीएसटी 9% है तो 9/100 इनटू में टोटल कितना था भाई 50,000, कितना 50,000 निकल जाएगा यहाँ पे 20 से 20, तो कितना अभी 9 × 5 = 45 हो गया। सेम टू सेम एसजीएसटी रहेगा भाई आपका 9/100 मल्टीप्लाई में 50,000, 2 × 2 = 9 × 5 = 45 हो गया भाई। दोनों को जोड़ दो भाई, टोटल आपका आईटीसी आ जाएगा, पहला पार्ट कर रहे ना मैं यहाँ पे, तो टोटल है जो आपका आईटीसी कितना आ जाएगा भाई 4500 प्लस में 4500, तो जुड़कर कितना हो गया बेटा ये 9000 हो गया। तो ये रहा भी आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, पहला पार्ट आ गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट करते हैं अभी यहाँ पे। अब सेकंड में बोला टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना आर्टिकल का फॉर द मिसेस गुप्ता, ठीक है। सो ये रहा सेकंड पार्ट, तो आईटीसी निकालना यहाँ पे भी, पेबल बोला भाई यहाँ पर भी, ठीक है। और किसके लिए निकालना, मिसेस परेश के, मिस्टर परेश के लिए निकालना ये। तो क्या करेंगे, पहले कॉस्ट बढ़ाएंगे भाई, देखो 50,000 तो पहले था और फिर 6,000 उसने प्रॉफिट कमाया, तो 50 प्लस 6 कितना हो गया भाई 50,000 प्लस में 6,000, तो लेगा 56,000। और इसके ऊपर निकालना आपने 56,000 पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। तो सीजीएसटी क्या रहेगा भाई आपका, सीजीएसटी तो आपको पता है सेम ही रहना 9% रहेगा, ठीक है। तो 9% निकालेंगे, 9% ऑफ 56,000, 2 × 2 = 0 कटगी, 0 पीछे रहेगी, 9 × 6 = 54 का चरकस लेके 5, 9 × 5 = 45 और 5 = 50, ये रहा भाई, ठीक है। फिर एस जी एस टी निकाल लेंगे, वो भी सेम ही रहेगा 9/100 मल्टीप्लाई में 5600 इज इक्वल टू 2 × 2 = 0 कटगी, फिर ये भी सेम ही आएगा 5040। टोटल आई टी सी निकालना हमने, टोटल आई टी सी, ठीक है। तो कितना रहेगा अभी अपने पास यहाँ पे, देखो इनपुट टैक्स पेबल था ये, आई टी सी नहीं बोल सकते इसको, आई टी भी बोल दो चाहिए आप। इनपुट टैक्स पेबल कितना रहेगा अभी, दोनों को जोड़ दो यहाँ पे, टोटल आ जाएगा आपका 5040 प्लस में 5040, 5 × 5 = 10, यानी कि 10,080 आ जाएगा भाई, ठीक है। ज़्यादा जीरो लगा दी क्या मैंने, हाँ भाई ज़्यादा जीरो लगा दी, ठीक है। ये रहेगा अपने पास 10,080, ऐसे लगा दो भाई, ठीक है। तो 10,080, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया भाई यहाँ पर, सेकेंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट पे चलते हैं भाई, यहाँ पर थर्ड पार्ट देखो भाई क्या बोल रहा हूँ। थर्ड पार्ट में बोला आपको टोटल सीपी निकालना भी ऑफ द आर्टिकल फॉर द मिसेस गुप्ता, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी, ठीक है, मिसेस गुप्ता जो खरीद रहे हैं उसको। तो देखो पहले 56,000 तो हो गया था आपका, 56,000 तो हो गया था प्लस में, और जो मिसेस परेश है वो उसको 4,000 प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो 4,000 और जुड़ेगा इसमें भाई, तो जुड़कर कितना हो गया भाई 56 + 4 = 60,000 हो गया। चलो भाई अब सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल लेते हैं 60,000 पे। सीजीएसटी क्या रहेंगे भाई 9% ऑफ 60,000, 2 × 2 = 0 कट गया भाई यहाँ पे, 9 × 6 = 54, 5400 आ गया। ऐसे ही हमारा एसजीएसटी रहेगा भाई 9/100 मल्टीप्लाई में 60,000, 2 × 2 = 0, फिर भाई 5400, ठीक है। ये हो गया भाई आप, आपका आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है यहाँ पर कि टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा आर्टिकल का। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो टोटल सीपी कैसे निकालेंगे, टोटल सीपी में कॉस्ट तो जुड़ेगी भाई 60,000, ये तो उनको देने ही देने हैं, साथ में हमें क्या देना पड़ रहा है भाई यहाँ पे, उसका टैक्स भी पे करना पड़ रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी जोड़ देंगे दोनों, 5400 + 5400, ठीक है भाई। देखो 60,000 और 5 × 5 = 10, 70,000 + 4 × 4 = 800, 70,800 टोटल पे करना पड़ेगा, 70,800, ये लो भाई टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी रुपीज में, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा 70,800। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड पार्ट था जो कंप्लीट हो जाता है, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ देखो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, आउटपुट जीएसटी फॉर मिसेस गुप्ता। अच्छा मिसेस गुप्ता के लिए हम आउटपुट जीएसटी निकाल सकते हैं भाई, हाँ या ना, बस ये बताओ मुझे कमेंट करके, आपने बताना है इसका आंसर कि आउटपुट जीएसटी निकाल सकते नहीं निकाल सकते। अब सुनो ध्यान से, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते भाई, क्योंकि आगे मिसेस गुप्ता ने किसी को कुछ सामान नहीं बेचा भाई, ठीक है, कोई भी सामान नहीं बेचा। आउटपुट जीएसटी तब निकलती है अगर ये किसी को कुछ सामान बेच रहे होते हैं, तो वो जो जीएसटी पे करेगा वो आउटपुट जीएसटी रहेगी मिसेस गुप्ता के लिए। तो अगर ये कोई सामान सेल नहीं कर रहे हैं तो यहां पर जीएसटी रहेगा भाई आपका, आउटपुट क्या था साथ में, जीएसटी था ना, आउटपुट जीएसटी इज इक्वल टू रुपीज जीरो लिखोगे या फिर आप नील लिखोगे, आपकी मर्जी है, कुछ लिख दो, रुपीज जीरो या नील। तो फोर्थ पार्ट का आंसर ये था, यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है भाई। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए 15 में आपको क्या दिया है, एक रजिस्टर्ड डीलर है भाई जो जिनका नाम है मिसेस अनिकेत, मिस्टर अनिकेत एंड सन्स एलटीडी परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज
24 lakh ये 24 lakh एंड सोल्ड देम फॉर रुपीज 27,50,000 विद इन द स्टेट। अच्छा, स्टेट के अंदर ही बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर आपका CGST और SGST निकालना पड़ेगा आपको। और इसके अंदर आपको क्या निकालना है, नेट निकालना है, यानी कि आपको पेबल वाला करना है। पेबल में आपको पता है आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स करते थे, पता है ना, तो पहले निकाल लेते हैं। अभी हम यहां पर इनपुट निकाल लेते हैं, इनपुट CGST इज इक्वल टू SGST, आपको पता सेम ही होते हैं, हाफ ऑफ टोटल GST। टोटल GST कितना भी आपको यहां पर 18% दिया है, तो काटोगे तो कितना आएगा भाई 9%। चलो भाई अब निकाल लेते हैं पहले CGST। 9% ऑफ पहले वाली कॉस्ट कितनी थी भाई, 24 लाख। 1, 2, 3, 4, 5, 2 जीरो कट गई, मल्टीप्लाई करो देखो, 9, 4, 36, 3 कैरी गया, 9, 2, 18 और 3, 21। ठीक है भाई, पीछे कितनी जीरो, 3 जीरो लग जाएंगी भाई यहाँ पर। ये आ गया भाई 2,01,600। ठीक है भाई 2,16,000 आ जाएगा, सॉरी। तो ये हो गया भाई आपका यहाँ पर। अब SGST निकालोगे तो वो भी सेम ही रहेगा भाई आपका यहाँ पर, इंटू में 24 लाख। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बाकी भाई लिख दो 216 के पीछे 3 जीरो। चलो भाई हो गया आपका यहाँ पर ये। अब इसके बाद आपने करना है यहाँ पर नेक्स्ट वाला 27,50,000 पे। ये तो आपका था इनपुट वाला, अब आउटपुट निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, नीचे लिख देता हूँ। चलो आउटपुट CGST इज इक्वल टू SGST, वही रहता हाफ ऑफ 18 कर दोगे यहाँ पे, कट के कितना आएगा भाई 9%। ठीक है, तो चलो आउटपुट में पहले CGST निकाल लेता हूँ मैं। CGST आपका क्या रहेगा भाई, 27,50,000 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना भी किसके साथ करेंगे, इसको 9/100 के साथ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मल्टीप्लाई कर लो भाई, देखो कितना आएगा, 9, 5 is 45, 4 कैरी गया भाई, ठीक है, 9, 7 is 63, 63 और 4, 67, 6 कैरी गया भाई, 9, 2 is 18, 18 और 6, 24 और पीछे 2 जीरो, यानी कि 2,47,500 आ जाएगा। ठीक है, CGST हो गया। अब SGST भी सेम ही रहेगा आपका भाई, 9/100 मल्टीप्लाई में 27,50,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मल्टीप्लाई करोगे 2,47,500 आ जाएगा भाई। ठीक है, 2,47,500। चलो भाई अब हमारा आउटपुट और इनपुट निकल चुका है, पेबल टैक्स देख लेते हैं, दोनों का निकालना है, SGST का और CGST का। देखो भाई पेबल में क्या रहेगा आपका, पेबल CGST निकाल रहे हैं भाई सबसे पहले हम, तो 24,7,500 माइनस में कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, कितना था अपने पास यहाँ पर निकाला था हमने 216,000। चलो भाई माइनस कर लेते हैं, देखते हैं कितना बचेगा अपने पास, 2 जीरो 2 जीरो पीछे तो बचेंगी, उसके बाद 5 में 0 गई, 5 बचेगा भाई, ठीक है, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा भाई अपने पास, 24 में से 21 गए, 3 बचेगा भाई, तो आ गया 31,500 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही पेबल SGST निकाल लो भाई, ये CGST था हमारा, ठीक है, वही भी रहेगा कितना 24,7,500 माइनस में 216,000, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, टॉप का आ जाएगा 31,500, इनके आगे रुपीज लिख देना भाई, ये लो क्वेश्चन खत्म। सिंपल एक ही चीज करनी थी, पेबल टैक्स निकालने के लिए आपको इनपुट निकाला और फिर नीचे आउटपुट निकाला, इनपुट आउटपुट माइनस कर देंगे आपस में, तो आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपको 16 में क्या दिया भाई। मिस्टर बत्रा है भाई, कोई जो रजिस्टर्ड करते हैं डीलर के हिसार में है, जो भी बंदा हिसार का बंदा परचेज कर रहा है भाई ब्लैंकेट्स वर्थ रुपीज 2 लाख, ठीक है, 2 लाख के उसने ब्लैंकेट यहाँ पे परचेज किए हैं। ही सोल्ड 50% ऑफ दीज ब्लैंकेट टू द डीलर इन पानीपत फॉर 1,30,000। ठीक है भाई, 1,30,000 रुपीज के बेचते उसने, कितने भी 50% ऑफ दीज, यानी कि टोटल में से। अब रेस्ट ऑफ द गुड्स रिमेन्स इन हिज स्टॉक, आधे बेचे हैं, आधे उसके पास अभी भी हैं भाई, बेचे नहीं उसने, तो जीएसटी वो पे कर रहा है 5%। फाइंड द एक्सेस क्रेडिट ऑफ द CGST और SGST। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी हरियाणा है, यहाँ पे भी हरियाणा है, सेम स्टेट है, दैट्स वाई यहाँ पर CGST और SGST लगेगा भाई। ठीक है, IGST नहीं लगेगा, टू बी कैरिड फॉरवर्ड। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हम इनपुट और आउटपुट निकाल लेंगे, और जो पेबल होगा, एक्सेस बोल सकते हैं इसको, एक्सेस क्रेडिट कैसे निकालते हैं, वो उल्टा होता है पेबल का। ध्यान से सुनो, ये न्यू टर्म आई है, समझ लो इसे, एक्सेस क्रेडिट क्या होता है और पेबल क्रेडिट क्या होता है। तो हमने पढ़ा था ना पीछे पेबल वाला, पेबल कब करते थे, जब आउटपुट में से इनपुट माइनस करते थे, ठीक है, वो क्या था आपका, पेबल था। अब उल्टा करना, एक्सेस क्रेडिट में क्या होता है, इनपुट में से आउटपुट माइनस करना है, वो आपका एक्सेस कहलाएगा। तो आपको इनपुट आउटपुट तो निकालनी है, तो सबसे पहले मैं इनपुट निकाल लेता हूं भाई,
इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो किस इक्वल होता है, हाफ ऑफ द टोटल। टोटल जीएसटी कितना भी आपका 5% है, 5 का हाफ करोगे तो 2.5 आएगा भाई, 2.5%। ठीक है, अब देखो इनपुट सीजीएसटी निकाल रहा हूं पहले मैं, 2.5% ऑफ किसका भाई, मल्टीप्लाई में टोटल कितना था अपने पास स्टार्टिंग में, 2 लाख, 2 लाख का निकाल रहे हैं सबसे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और इस पॉइंट को हटाओगे जब आप, यहाँ पे 10 आएगा एक, ठीक है, और उस 10 से भी एक और जीरो कट गई, तो 25 को 2 से करोगे 50 और 2 जीरो पीछे, तो 5000 आया भाई। कितना आया आपका यहाँ पर, पेबल टैक्सेस आया 25 to 50 और पीछे 2 जीरो, 5000 रुपये आ जाएगा। ऐसे सीजीएसटी के साथ क्या निकालेंगे भाई हम, यहाँ पे एसजीएसटी निकालेंगे, एसजीएसटी वो भी क्या रहेगा भाई, 25 by 1000, 1000 पता नहीं क्यों लगाया, 2 जीरो तो 100 की और 1 जीरो इस पॉइंट की, मल्टीप्लाई में कितना भी 2 लाख, 2, 3 जीरो से 3 जीरो कटी हुई, 25 दूनी 50, तो 5000 आ गया अभी, कितना आ गया। चलो भाई अब ये तो हो गया, अब आउटपुट निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी तीनों इक्वल होंगे भी, हाफ ऑफ द टोटल, टोटल कितनी है 5, तो यानी कि 2.5% निकाल लेंगे इसका भी। तो देखो भाई यहां पर सीजीएसटी हमारा क्या रहेगा, यहां पर टोटल कितनी थी भाई हमारे पास, नेक्स्ट वाले स्टेप में 1,30,000 का बेच रहा ना वो, तो यहां पर 1,30,000 का निकाल लेंगे 2.5, पता पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और वैसे भी नीचे 100 लगा होता है, इंटो में 1,30,000, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, 13×5 65 का, 5 का 6 करेगा, 13×2 26 और 6 32, तो आ गया भाई यहां पर 3,250, कितना आ गया भाई यहां पर 3,250। नेक्स्ट अभी अपना सीजीएसटी के बाद एसजीएसटी, वो भी सेम करेंगे, 25 by 10 into 100 मल्टीप्लाई में 1,30,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई भैया, और अपना बचेगा यहाँ पे 3,250। चलो भैया माइनस कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं एक्सेस क्रेडिट, किसका निकालना भाई, सीजीएसटी और एसजीएसटी इसका। एक्सेस क्रेडिट में क्या करते हैं, ऑफ सीजीएसटी निकाल रहा हूं पहले मैं, पता ना मैंने अभी आपको क्या बोला था, पेबल का उल्टा करना होता है, पेबल में क्या करते थे, आउटपुट माइनस इनपुट करते थे, अब की बार क्या करेंगे, इनपुट माइनस आउटपुट करेंगे एक्सेस के लिए, एक्सेस के लिए इनपुट करते हैं, इनपुट क्या भाई आपका 5000, तो लिखूंगा मैं यहां पे 5000 में से माइनस करेंगे 3,250, तो देखो भाई कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10, 0 में से 0, 0, 10 में से 5 गया 5, उसके बाद बचा भाई 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 1,750 आ गया भाई, कितना गया 1,750। अब ऐसे सेम टू सेम एक्सेस क्रेडिट ऑफ SGST, ठीक है, CGST तो भाई 5000 है सेम टू सेम, उसमें से माइनस करना 3,250, तो बचेगा कितना भाई रुपीज 1,750, ऐसे यहाँ पे भी रुपीज लिख लेना भाई, रुपीज 1,750, देखा भाई, तो यहाँ पर आपका सेम आंसर आएगा। तो एक्सेस क्रेडिट का आपको पता चल गया होगा, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेस क्रेडिट में उल्टा करते हैं, इनपुट में से आउटपुट माइनस करेंगे, और पेएबल में क्या करते थे, आउटपुट में से इनपुट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भाई, 17th क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक रिस्ट वॉच को सोल्ड किया जाता है बाय अ होलसेलर फ्रॉम द मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र में कोई बंदा है होलसेलर का, ठीक है मैं लिख देता हूँ होलसेलर है मुंबई महाराष्ट्र में, वो सोल्ड कर रहा है भाई इसको किसे, एक डीलर को जो इंदौर में है, किसमें भाई इंदौर में कोई डीलर है भाई, उसे सेंड कर रहा है, भेज रहा है उसे चीजें, ठीक है। अब उसने बेची उसको 22,000 में, किसमें भाई 22,000 में बेची है। आगे जो बंदा डीलर था उसने भी उसको बेच दिया ग्वालियर में, कहाँ पे भाई ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में भाई, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट है ग्वालियर, वो भी एमपी में ही है, सेम स्टेट हो गए। और ये कितने बेच रहा भाई इसको यहाँ पर 5,000 के प्रॉफिट में, यानी कि वो 22 और 5 कितने हो गए 27,000 में बेच रहे हैं आगे, ठीक है। तो ये चीजें भाई, और टोटल नेट जीएसटी अपने पास कितना भाई 18% टोटल जीएसटी है। तो अब चीजें निकालना शुरू करते हैं। चलो देखो पहला पार्ट क्या है, द नेट आईजीएसटी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय द डीलर इन इंदौर, इंदौर में डीलर ने कितना पे किया, ठीक है। तो इसको कितने बेची थी इसने भी 22,000 में, तो 22,000 पे निकालेंगे 22,000 पे हमारा भाई। पहले निकालते हैं आईजीएसटी, ठीक है। तो पता भाई हमारा जो आईजीएसटी होता है, पहला पार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आईजीएसटी होता है आपको पता वो क्या होता है, जीएसटी के बराबर होता है, और जीएसटी कितना भी आपका 18%, तो आईजीएसटी भी कितना होगा भाई आपका 18% ही लेंगे यहाँ पे। तो निकाल लो 18% का 18 × 100 कितने पे निकालना भाई 22,000 पे, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉस्ट कितनी थी 22,000, 2 जीरो से
दो जीरो को ही मल्टीप्लाई कर लोगे, देखो 18 जीरो जीरो, 18 दून 36 का छक्का 3 गए, 18 दून 36 और 3 39, या गया भाई रुपीज 3960 निकल गया अपना। ठीक है, ये तो कोस्ट आ गया आपकी। अब क्या करेंगे हम, अब यहां पर निकालेंगे भी नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है सीजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी, लेकिन ये किस में निकालना हमने, नेट आईजीएसटी सीएसटी पेबल में निकालना, यानी कि आउटपुट माइनस इनपुट। हमने क्या निकाल दिया यहां पर, इनपुट आउटपुट तो निकाल, अब आउटपुट निकालना हमने, इनपुट तो निकाल दिया, वो कितने पर निकलेगा भाई 22,000 को ऐड करेंगे इसमें, 5% 5,000 के प्रॉफिट पे बेच रहा ना उसे वो, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 22,000 प्लस में 5,000 तो हो जाएगा भाई 27,000, इतना टोटल प्रॉफिट हुआ वहां पर। अब 27,000 पे निकालेंगे हम क्या भाई, अब देखो ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक तो ये इंटर स्टेट था भाई कंडीशन अपने पास, क्योंकि मध्य महाराष्ट्र से वो इसमें मध्य प्रदेश में बेच रहा था, ठीक है, मुंबई से अलग अलग स्टेट हो गए थे ना, दैट्स वाई यहाँ पे इंटर स्टेट लगा था और हमने यहाँ पे आईजीएसटी निकाला था। बट अब यहाँ पर देखो एमपी से एमपी में बेच रहा है, तो यहाँ पर लगेगा अपने पास कौन सा भी सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो लगाएंगे यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों किसके कल होते हैं भाई हाफ ऑफ, टोटल कितना 18%, काट देंगे तो 9% आएगा। तो देखो भाई हमारा एसजीएसटी देखो भाई यहाँ पर कितना आता है, 9% है, 9/100 मल्टीप्लाई में टोटल कितना भाई 27,000, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 9 जीरो जीरो 9 से 63 का 3 का लगे 6 9 18 6 24, ये आ गया भाई रुपीज 2,430। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसे निकालते हैं सीजीएसटी भी अपना भाई, वो कैसे निकलेगा 9/100 सेम करना आपने बस 27,000, दो जीरो से दो जीरो कट गई, कट के आ जाएगा भाई 2,430 रुपीज। ठीक है भाई, ये कर दिया आपने यहाँ पर। अब ये करने के बाद देखो आपका ये तो था आउटपुट, क्या था भाई आउटपुट, ठीक है, और ये वाला केस क्या भाई आपका यहां पर इनपुट था, और आपको पता जब पेबल बोला जाता है तो क्या करते हैं हम, आउटपुट में से इनपुट माइनस करते हैं, तो आउटपुट आपकी दोनों है तो जोड़ लो इनको, पेबल टैक्स निकाल रहे हैं पहले वाला पेबल, तो क्या करेंगे भाई 2,430 प्लस में 2,430, इसमें से माइनस करेंगे कितना भाई 3,960, चलो अभी जोड़ लेते हैं 24 24 कितना हो जाएगा 48, 30 30 60 माइनस में 3,960, माइनस करेंगे कितना आएगा भाई, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 0, अब 39 और 1 40 और 8 9, 900 रुपये आ गया भाई, कितना आ गया 900 रुपये आ जाएगा भाई आपका यहाँ पर। लेकिन उससे पहले यहां पर तो सेम स्टेट है ना भाई, आईजीएसटी सेम स्टेट हो गया ना यहाँ पे, तो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट रहेगा आपको वो दोनों जीरो आंसर आएंगे, क्योंकि यहां पर आपका क्या लग सकता भाई पहले वाले पार्ट में यहां पे इन दोनों में क्या लग सकता है, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लग सकता है, ठीक है, दैट्स वाई यहां पर हमारा पहले पार्ट का भी आंसर जीरो रहेगा सीजीएसटी और दूसरे वाले का भी जीरो रहेगा एसजीएसटी। लेकिन पेबल में कितना आंसर आएगा 900 आएगा रुपीज 900, तो पहले पार्ट के ये 3 आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि तीनों पूछे थे ना यहाँ पे आपसे। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट करते हैं अगर हम बात यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट की, सेकंड पार्ट में क्या बोला था सीपी ऑफ द वॉच फॉर द एंड यूजर, सेकेंड पार्ट करा रहा हूं मैं यहां पे भैया, कॉस्ट प्राइस फॉर एंड यूजर, इसमें क्या करेंगे भाई टोटल कॉस्ट कितनी आई थी उसकी, देखो 27,000 थी, 27,000 प्लस में दोनों में क्या जुड़ेगा भाई यहां पर उनके जीएसटी जुड़ेंगे, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी भी एंड यूजर के लिए, 2,430 प्लस में एक और बार 2,430, चलो भी जोड़ लो 27 तो ऐसे रहेगा 27,000 प्लस में ये जोड़कर कितने बने थे भाई यहां पर 4,860, दोनों को जोड़ोगे ही बनेगा ना, तो जोड़ोगे इसमें कितना आ जाएगा भाई आपका 2,704 31 31,760 आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना टोटल अमाउंट बिल बनेगा भाई एंड यूजर के लिए, एंड यूजर को इतना पे करना पड़ेगा उस वॉच को लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए हमारे पास 18 क्वेश्चन में क्या दिया है, एक होलसेलर है जो क्लॉक को बेच रहा है भाई जयपुर राजस्थान से, देखो भाई यहाँ पे पहले लिखते हैं राजस्थान, ठीक है, और कहां बेच रहे अभी, परचेज्ड इन अ विंटेज क्लॉक फॉर रुपीज 2000, कितने में भाई 2000 में उसने परचेज किया है, एंड सप्लाइड इट टू अ डीलर इन रतलाम, रतलाम में उसको वो बेच रहा है, ठीक है भाई परचेज किया उसने, उसके बाद रतलाम वाला उसको कहां पे बेच रहा है भाई दिल्ली में, कहां पे भाई रतलाम वाला उसको बेच रहा है दिल्ली में, रतलाम डीलर टू एन एंड यूजर इन दिल्ली, देखो भाई तीन चीजें तो आपने यहां पे देख ही ली होंगी, राजस्थान से रतलाम, रतलाम से दिल्ली, तीनों बिल्कुल अलग अलग है, तो यहाँ पर इंटरस्टेट की कंडीशन लगेगी, कौन सी लगेगी भाई यहाँ पर इंटरस्टेट की कंडीशन लगेगी, और आपको पता है इंटरस्टेट में हम क्या निकालते हैं भाई, हम आईजीएसटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं आईजीएसटी, तो सबसे पहले निकालते हैं
हमारा अमाउंट कितना भाई 3000 का, तो सीपी कितना भी अपना 3000 दे रखा है यहाँ पर टोटल जो एंड यूजर ले रहा है वहां पे, और उसके लिए हमारे पास यहाँ पर क्या निकलेगा भाई इसका आईजीएसटी। आईजीएसटी आपका किसके इक्वल होता है भाई, जीएसटी के इक्वल होता है, जो कितना दे रखा है 18% दे रखा है, कितना दे रखा भाई यहाँ पर हमें ये 18% दे रखा है जो कि इसके ऊपर लगेगा। अब 18% लगाएंगे, यहां से देख सकते हो आप 18% दे रखा है, तो 18% ऑफ कितना भाई 3000, तो कट गया भाई यहाँ से 38 54, तो कितना आ जाएगा भाई ये 540 आ गया, कितना आ गया भाई 540 आ गया। तो यहां पर हमने इसका आईजीएसटी निकाल दिया, ठीक है। अब हमने आईजीएसटी निकालना भाई यहां पर किसका 2400 के ऊपर, ठीक है। आईजीएसटी लगेगा क्योंकि सारे के सारे अलग अलग है, इंटरेस्ट रेट कंडीशन लगेगी यहां पे भाई, ठीक है। तो यहां पर भी हम निकालते हैं, अब यहां पर हमारा किसके लिए भाई ये रतलाम वाले बंदे के लिए, ठीक है, जो रतलाम में है उसके लिए सीपी क्या रहेगा भाई अपना 2400, तो आईजीएसटी वही होएगा सेम टू सेम 18%, तो 18% ऑफ कितना भाई 2400, 20 से 20 कट गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 18 चौके 72 का 2 7 करेगा 36 36 और 7 43 432 आ गया भाई, ठीक है। अब हमने पहला पार्ट देखो यहाँ पे क्या करना था, द नेट आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल निकालना है, तो नेट पेबल के लिए क्या करेंगे भाई, नेट पेबल के लिए टोटल आईजीएसटी कितना भी अपने पास यहाँ पे 540 था आउटपुट वाला, माइनस में 432 ये था, माइनस करेंगे तो 108 बचेगा, ठीक है भाई, कितना बचेगा अपने पास भाई यहाँ पर ये 108 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा आ गया भाई यहाँ पर 108। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पे हमने निकाला क्या है, आईजीएसटी निकाला भाई, क्या निकाला आईजीएसटी, लेकिन इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी तो हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते पता आपको, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारा सारे के सारी कंडीशन इंटरेस्ट रेट है, अलग अलग स्टेट में जाके दे रहा है वही, वो सेम स्टेट में कुछ नहीं है यहाँ पे, दैट्स वाई यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी हम नहीं निकालेंगे। तो हमारा यहाँ पर आईजीएसटी तो होगा भाई कितना 108 और सीजीएसटी हमारा होगा 0 रुपीज, ठीक है भाई, रुपीज लिख दे रहे हैं इनके आगे, और एस जी एस टी भी हमारे क्या होगा भाई रुपीज 0, तो ये केस आएंगे 108 00, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला है, टोटल कॉस्ट ऑफ द एंड यूजर इन दिल्ली, टोटल कॉस्ट निकालिए भाई दिल्ली के बंदे के लिए, तो टोटल अमाउंट बिल निकालना है, टोटल अमाउंट बिल, तो देखो 3000 की तो कॉस्ट थी भाई उसकी दिल्ली वाले बंदे के लिए, और उसमें उसने कितने का जीएसटी पे किया, सॉरी आईजीएसटी पे कितना किया उसने भाई 540, तो जोड़ लीजिए दोनों को यहाँ पर, तो आ जाएगा आपका 3540, 3540 रुपीज ही हैज टू पे फॉर विंटेज क्लॉक, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 है जो कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। यहाँ पे 19 में देखिए आपको क्या दिया है, एक रजिस्टर्ड डीलर है जो परचेज कर रहा है गारमेंट्स वर्थ रुपीज 250,000 फॉर द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है भाई वो फ्रॉम द इन द सेम स्टेट, ठीक है भाई, सेम स्टेट है यहाँ पर, सेम स्टेट है, तो आपका क्या रहेगा भाई यहाँ पे इंट्रा स्टेट का लगेगा यहाँ पे कंडीशन, ठीक है भाई, ट्रांजेक्शन हो रही है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इन इंटर स्टेट, अगली बार में देखो क्या बोला उन्होंने, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोली भाई ऑफ वर्थ रुपीज 30,000, तो सबसे पहले यहाँ पे वही टेबल बनाते हैं जैसे पहले बनाई थी, यहाँ पे लिखेंगे भाई आउटपुट, और ये टेबल किसके लिए बन रही है भाई फॉर द डीलर, ठीक है। देखो भाई आउटपुट हमारे पास हो रही है यहाँ पे ऑफ आउटपुट 4 रुपीज किसके लिए भाई 30,000 के लिए, किसके लिए 30,000 के लिए, और कौन सी कंडीशन है भाई यहाँ पे इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट में आपको पता आईजीएसटी निकालते हैं हम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईजीएसटी, यहाँ पे लिखूंगा भाई सीजीएसटी और यहाँ पर एसजीएसटी, ठीक है भाई। अच्छा कितने परसेंट अपने पास यहाँ पे देख लो 12% टोटल है भाई अपने पास, तो क्या लिखेंगे आईजीएसटी में तो आपको पता 12% ही रहता है, सीजीएसटी में कितना हो जाता है 6%, इसमें भी 6% होगा, ठीक है भाई। चलो अब सोल्व करते हैं इसको, 30,000 के लिए 12% निकालें क्योंकि यहाँ पर कौन सी कंडीशन है भाई इंटरेस्ट रेट कंडीशन है, ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 12% बाय में 100, सोल्व करके दे रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको, साइड में कर लेना आप भी, 20 से 20 गई भारतीय 3600 भी, टोटल कितना कंडीशन आएगा यहाँ पे 3600 आ जाएगी भी यहाँ पे आपके पास, किसके आई है ये आउटपुट फॉर द, ये आपका इस साइड 0 रहेगा, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका क्या रहेगा भाई यहां पर, नेक्स्ट कर रहे हैं हम यहां पर आउटपुट ही करेंगे, आउटपुट 4 रुपीज कितने के लिए करेंगे भाई यहां पर आउटपुट 4 रुपीज 260,000 के लिए, किसके लिए भी 260,000 के लिए, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए 260,000 में आपका क्या रहेगा यहां पर इंटरेस्ट रेट है या इंटरेस्ट रेट,
260,000 है रिमेनिंग स्टॉक फॉर दिस विद इन द स्टेट, ये स्टेट में सेम स्टेट है भाई, स्टेट चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, विद इन सेम स्टेट है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेम स्टेट होता है तो इंट्रा, कौन सी भाई इंट्रा स्टेट आती है कंडीशन, और इसमें हम क्या निकालते हैं भाई, हम इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालते हैं, वही निकालेंगे। सीजीएसटी देख लिए 6% निकालना आपने इसका, देखिए यहाँ पे कर रहा हूं मैं 6/100 इंटू में कितना भाई 260,000, देखो 20 से 20 कट गई भाई, 20 तो पीछे आएंगी, 6 6 36 का 6, 3 कैरी गया, 6 2 12 और 3 15 15,600, तो ये तो जीरो रहेगा आपका, ये आएगा 15,600 15,600। चलो भैया भी निकल गई, अब निकालते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालते हैं भैया यहाँ पे, आईटीसी में क्या रहेगा आपका आईटीसी, या फिर इनपुट बोल दो यहाँ पे, इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर किसके लिए भी, अब कौन सा बचा अपना 2,50,000 वाला, कौन सा भाई 2,50,000 वाला। अच्छा अब कभी तुम ये सोच रहे हो कि मैं इनको आगे पीछे कैसे लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी, जरूरी नहीं है भाई ये पहले लिखना ये बाद में लिखना, आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हो, ऊपर नीचे करके, कोई जरूरी नहीं है, इनपुट पहले लिख सकते हो बाद में लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए भाई, इनपुट कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम इनपुट में हमने क्या करना, सेम स्टेट है कि नहीं वो देखना, पहले कंडीशन कौन सी है वो चेक कर लो एक बार, इसमें कंडीशन थी भाई सेम स्टेट की, किसकी 2,50,000 में सेम कंडीशन है, सेम स्टेट की है, तो यानी कि यहाँ पर इंट्रा स्टेट आएगा, कौन सा आएगा भाई इंट्रा स्टेट कंडीशन लगेगी ट्रांजेक्शन के लिए, तो इंट्रा स्टेट में हम क्या करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालते हैं, तो 2,50,000 पे निकाल लेते हैं 6%, 6/100 मल्टीप्लाई में कितना भाई 2,50,000, बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई ये, ध्यान से देखो 20 से 20 कट गए भाई यहाँ पर ये, ठीक है, अच्छा एक ही जीरो थी यहाँ पे भाई, ठीक है 50,000 आ जाएगा, 6 6 25 150 होता भाई 15, और पीछे 3 0 लग जाएंगे भाई, तो 15,000 है टोटल कंडीशन कितनी है, ये तो जीरो रहेगा, ये 15,000, ठीक है भाई। चलो देखो अब यहाँ पे नेट टैक्स पेबल कितना बचा वो लिख लेते हैं, नेट हमने निकालना क्या था भाई, देखो नेट आईजीएसटी सीजीएसटी पेबल निकालना था, तो नेट पेबल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कितना रखेगा देखो 3600 में से जीरो माइनस करूंगा तो अपना कितना बचेगा 3600 ही बचेगा भाई, सेम टू सेम 15,600 में से 15 माइनस करूंगा तो सिर्फ 600 बचेगा, इसमें भी सिर्फ 600 बचेगा, तो ये आगे भी आपके आंसर सारे जो आपको निकालने थे बिल्कुल ही छोटे से टाइम में, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर दिया, पहले तो हम सारे अलग अलग निकाल के दिखाते थे, बट टेबल बनाना तो इजी होता है ये, अब देख सकते हो तुम आईजीएसटी आपने पे किया ₹6,000, तो लिख सकते हो आप साइड में अगर लिखना तो यहाँ पे लिख लो, चाहे आईजीएसटी है जो आपका वो कितना पे किया अभी आपने ₹3,600, उसके बाद सीजीएसटी कितना पे किया भाई आपने ₹600, और एसजीएसटी आपने पे किया कितना भाई यहाँ पे रुपीज नेक्स्ट हमारा 600, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, यहाँ पे 20 में देखिए आपको क्या दिया है, अ फर्नीचर डीलर इन दिल्ली सप्लाई, देखो भाई दिल्ली का बंदा कोई, वो सप्लाई कर रहा है कहाँ पर, चेन्नई में कर रहा है भाई, सबसे पहले तो बात यहाँ पे इंट्रा स्टेट की कंडीशन आएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सॉरी इंट्रा बोल रहा हूँ, इंटर स्टेट की कंडीशन आएगी, क्योंकि वो बाहर बेच रहा है उसको, जिसकी वजह से यहाँ पर हम आईजीएसटी निकाल सकते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं निकलेगा भाई, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले मैं लिख देता हूँ आउटपुट किसका कर रहे हैं भाई यहाँ पर हम 4,50,000 का, 4,50,000 टैक्स पेबल का निकाल रहे हैं, यहाँ पे आपको पता हम क्या लिखेंगे, आईजीएसटी लिखते हैं, अगले वाले में सीजीएसटी लिखते हैं, अगले वाले में भाई एसजीएसटी लिखते हैं, ठीक है, तो जीएसटी कितना भी अपने पास 12%, तो आपको पता आईजीएसटी में हमारा वही रहता है 12% लिख दूंगा भाई मैं यहाँ पर, ठीक है सेम टू सेम, उसके बाद नेक्स्ट आता भी अपना एसजीएसटी और आईजीएसटी के बाद, तो सीजीएसटी में क्या रहता भी अपना 6% हो जाता आपको पता है, और इसमें भी 6% होता है, तो सबसे पहले इंटरस्टेट कंडीशन है, सॉरी इंटरस्टेट कंडीशन है, तो इसमें आईजीएसटी निकालते हैं हम यहाँ पर, तो आईजीएसटी कैसे निकालेंगे देखो भाई 12% निकालना पड़ेगा हमें, किसका भाई 4,50,000 का, ठीक है भाई 4,50,000 का हमें निकालना पड़ेगा, 20 से 20 कट गई भाई, 20 पीछे आएंगी, 12 5 60 की 06 कह रही है भाई, 12 44 और 6 54, तो 54,000 आया भाई हमारा इंटरस्टेट के अंदर, 54,000 आ गया अपने पास यहाँ पर ये वाला। अच्छा अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए आपका क्या करना पड़ेगा आपको, हमने ये तो निकाल लिया भाई, अब इंटरेस्ट स्टेट के बाद नेक्स्ट वाली कंडीशन देखते हैं, देखो यहाँ पर 6,00,000 का बेच रहा है भाई यहाँ पर वो, फिर चेन्नई के बाद सोल्ड गुड्स वर्थ 6,00,000 इन रिटेलर विद इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर ही बेच रहा है भाई, पहले वो दिल्ली का बंदा है और दिल्ली में ही सामान बेच रहा है, तो यहाँ पर इंटरस्टेट कंडीशन लगेगी आपको पता है, तो लिखता हूँ मैं आउटपुट 4 रुपीज कितना भाई
सिक्स लैख, एक दो तीन चार पांच जीरो लगा दी भी, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन है भाई, इंट्रा स्टेट है, क्योंकि ये स्टेट के अंदर है, दिल्ली का बंदा दिल्ली में बेच रहा है चीजें, तो वहां पर वो कौन सा पे करेगा भाई, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करेगा। तो 6% निकाल लेते हैं यहाँ पे, 6% निकालेंगे किसका भाई, 6 लाख का। देखो भाई, दो जीरो से दो जीरो गई, 6 6 36 और पीछे 3 जीरो, 36,000 आएगा भाई। और आपको ये भी पता भाई, ये तो जीरो रहेगा, 36,000 जो इसका होगा वही इसका होगा, क्योंकि दोनों सेम ही रहते हैं भाई, ठीक है। तो 36,000 इसका आ जाएगा। चलो भाई, ये भी निकाल लिया हमने यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हमने निकालनी है इनपुट। क्या निकालनी है भाई, इनपुट निकालनी है। इनपुट के लिए देखो अब क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे इनपुट 4 रुपीज कितने की निकाल रहे भाई यहाँ पर हम। नेक्स्ट था आपका 8 लाख, कितना था भाई, 8 लाख। और ये किसके अंदर है भाई, स्टेट में ही है। देखो यहाँ पे, रिसिप्ट वॉज दिस, द टोटल रिसिप्ट वॉज ही परचेज हिज एंटायर स्टॉक फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से ही कर रहे हैं अभी भाई, तो सेम ही है स्टेट। तो यहाँ पर भी इंटरस्टेट, इंटरस्टेट की लगेगी, यानी कि आपको यहाँ पे भी सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना पड़ेगा ये वाला भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 6% निकाल रहा हूँ मैं, 6% ऑफ 8 लाख, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 6 8 48 48,000 आया भाई, कितना आया, 48,000। तो 48,000 ये रहेगा भाई आपका, और 48,000 ये रहेगा। चलो भाई, अब लास्ट पार्ट बचा अपना यहाँ पर नेक्स्ट, वो क्या है वो देख लो, उसके बाद फिर एक और लास्ट पार्ट आएगा वो भी देख लेना, दो चीजें आएंगी इसके अंदर बस, फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये पहला पार्ट अभी यहाँ पर हम यूटिलाइजेशन करेंगे, यूटिलाइजेशन करते हैं। और यूटिलाइजेशन मैंने आपको सिखाई थी पहले ऑफ ITC, कैसे करते हैं, अगर हमारे पास दे रखो भाई IGST, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे इनपुट में क्या दे रखा है, इनपुट ITC, क्या है हमारा ITC अभी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लो भी, टोटल कितना हुआ आपका, यहाँ पे जोड़ोगे तो 48 और 48 कितना हो गया भाई, 96, कितना हो गया ये हमारे पास हो जाएगा टोटल भाई, CGST प्लस में SGST कितना हो गया भाई, ये 96 हो गया टोटल, कितना हो गया, 96,000 दोनों को जोड़ोगे और इसमें से माइनस करोगे भाई, तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर, देखो 36 और 36, 72,000 आया, कितना आएगा, 72,000। तो बचा कितना भाई, माइनस करोगे 24,000, कितना 24,000 है जो आपका, ये रहेगा भाई आपका यहाँ पर IGST में, क्योंकि IGST से स्टार्ट करते हैं, 36 ही आ गया और 36 ही आ जाएगा भाई, सेम टू सेम 36 36 36, ठीक है भाई। अब देखो 54,000 में से अगर आप 24,000 माइनस कर रहे हो तो आपका कितना बचेगा, 30,000 बचेगा, कितना बचेगा, 30,000। तो इधर रहेगा आपका IGST, 36 में से 36 करोगे जीरो, 36 में से 36 करोगे जीरो, तो सिंपल आपका जो बचाना था हमने नेट पेबल टैक्स, कौन सा भाई, नेट पेबल टैक्स था जो आपका, ठीक है, जो इसके अंदर आता था, फाइंड नेट पेबल टैक्स IGST CGST SGST। IGST कितना आया भाई, 30,000, CGST कितना आया, जीरो, और SGST कितना आया भाई, जीरो। तो आंसर आएंगे आपके 30,000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था भाई यहाँ पर, जैसे पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं हम, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ITC को, ठीक है। टोटल कंपैरिजन के पास साथ करके मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, कौन सा होता था भाई हमारे पास, अगर हमें IGST दे रखा तो हम क्या करते हैं भाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रखा तो यहाँ पर हमारा IGST के बाद क्या आता है, CGST और SGST आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका, नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं भाई। यहाँ पे 21 में देखिए आपको क्या दिया है, एक डीलर है जो सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज को, जो कि 20,000 की, अभी किसके अंदर, तो भाई हमारे पास यहाँ पे इंटर स्टेट की कंडीशन है, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कंडीशन में क्या करते हैं, देखो भाई यहाँ पे आउटपुट निकालते हैं पहले हम यहाँ पे, 4 रुपीज किसके लिए भाई, कितना था हमारे पास, ये था 20,000, कितना था भाई यहाँ पे, 20,000 के लिए, ठीक है। और कौन सी कंडीशन है भाई, ये इंटर स्टेट कंडीशन है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कंडीशन, आपको पता। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे, IGST लेते हैं भाई, उसके बाद CGST लेते हैं अपने पास यहाँ पर, और लास्ट में आता भी अपना SGST। अब ध्यान से देखिए आपके पास कितना दे रखा है BGST, 18% दे रखा है, तो आपको पता है हमारा 18% ही रहता है IGST में, इसमें कितना हो जाता है, इसका हाफ हो जाएगा 9 और 9 इस साइड, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं, देखो सबसे पहले 20% का 18 निकालें, क्योंकि इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट में हम IGST लेते हैं आपको पता है, तो 18% निकालेंगे भाई यहाँ पर 20,000 का। देखो भाई दो जीरो से दो जीरो कट गई, 18 2 36, तो 3600 आ जाए, कितना आ जाएगा भाई, ये 3600 आ गया भाई अपने पास यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या रखा भाई, 3000 दिया हुआ है किसके अंदर भाई, ये इन ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट, विद इन का मतलब होता है यहाँ पर आपके पास उसी स्टेट के अंदर, तो यहाँ पर ये तो 00 रहेंगे आपके, तो विद इन स्टेट में क्या करते हैं वो देख लो, आउटपुट
4 रुपीज, कितने रुपीज के लिए करे कर रहे हैं भाई हम यहाँ पे, 3000 है, कितना था 3000, ठीक है भाई। हमारे पास कितना है विद इन द स्टेट, 3000 दिया हो भाई यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हो ये रहा। उसके बाद इसमें कौन सा लगेगा, इंट्रास्टेट लगेगा, कौन सा लगेगा भाई, इंट्रास्टेट कंडीशन लगेगी आपकी, और इंट्रास्टेट में आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी निकलता है, ठीक है, तो वो निकालेंगे। देखो 9% ऑफ 3000, 20 से 20, 9 3 27, 270 आया भाई, कितना आया यहाँ पे, ये तो जीरो रहेगा, ये भी 270 और ये भी 270, चलो भाई ये भी निकल गया। अब करते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्या आएगा, इनपुट निकालेंगे भाई यहाँ पर हम, किसके लिए निकालनी है इनपुट भाई हमने, टोटल हमारे पास कौन सा था भाई, कहाँ गया, 18,000, ये रहा भाई अपने पास यहाँ पर इनपुट, अपने पास 18,000 है भाई, ये निकालेंगे यहाँ पर। और हमारे पास कौन सा रहेगा, इंटरस्टेट या हमारे पास इंट्रास्टेट, वो देखना है। देखो ध्यान से, विद इन द स्टेट बोला है, तो विद इन का मतलब होता है इंटर, सॉरी इंट्रा होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रा स्टेट में क्या करेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालेंगे यहाँ पे। तो देखो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, 18 कितना कितना 9% निकालना है, तो 9% ऑफ 18,000 निकाल लो भाई यहाँ पर, 20 से 20 कट गई भाई, 16 1620 आया भाई, कितना आया, ये तो जीरो रहेगा आपका, और ये 1620 और 1620। चलो भाई अब करते हैं नेट यूटिलाइजेशन करेंगे इसकी यहाँ पर, यूटिलाइजेशन ऑफ ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट काउंट करो कितनी है, 1620 और 1620, तो अपने पास यहाँ पर टोटल कितना बचेगा वो देखना आपने। अब देखो ध्यान से, 1620 और 1620 आपको पता, मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ है इसका भाई, अगर हमारे पास IGST होता है तो हम क्या करते हैं, CGST में जाते हैं, फिर SGST में जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पास अपने पास क्या हो भाई, CGST और SGST में ही दे रखो, तो हमें उसको CGST और SGST से ही करना पड़ता है, ठीक है, या फिर उसका कंपैरिजन हमने किसके साथ करना पड़ता है, इसके साथ करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चेक करना है टोटल कितना बन रहा है, यहाँ पे देखो 1620 और 1620, ठीक है, तो काउंट करो कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा आपका 1620 प्लस में 1620, माइनस में क्या करेंगे इसमें से 270 प्लस में 270 माइनस करना है, और देखना है कितना पेंडिंग होगा, 1620 कितना हो जाएगा, 16 2 32 3240 में से माइनस करेंगे 57 54 540, तो कितना बचा भी आपका, देखो 40 में से 40 ये 0 0, और 32 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 27, कितना बचेगा 27। तो आपने क्या लेना भाई, 27 हो तो लेना आपने आपका IGST, ठीक है, और बाकी बचाओ कितना था, 540 था ना, यानी कि 270 ये और 270 ये, ठीक है ना। अगर आप टोटल काउंट करोगे इसमें से, अगर आप टोटल काउंट करोगे तो यही आएगा ना सेम टू सेम, देखो 2700 प्लस में 270 प्लस में 270, तो 1620 और 1620 यानी कि 3240 हो जाएगा टोटल आपका। अब करते हैं भाई यहाँ पे नेट पेबल निकालना था अपने, नेट पेबल निकालना है, वो कैसे निकलेगा ध्यान से देख लो बस, अब तो सोल्यूशन करना थोड़ा सा, फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट। देखो भाई 3600 में से 2700 माइनस करो तो कितना बचेगा भाई आपका, यहाँ पर ये बच जाएगा आपका नेट 900, कितना भाई 900, 270 में से 270 गया 0, 270 में से 270 गया 0, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, IGST तो आपको पे करना पड़ेगा 900, और CGST और SGST आपका रहेगा यहाँ पे 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकालना था, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है जो आपका कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए 22 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एक डीलर है जो सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिकल आइटम्स को वर्थ ₹17 लाख, कितने भाई 17 लाख है, इन इंटरस्टेट बोला आपको, कौन सी कंडीशन दी है यहाँ पे, इंटरस्टेट कंडीशन दी है, तो सबसे पहले लिखेंगे भाई यहाँ पर हम इंटरस्टेट कंडीशन के अंदर, आउटपुट हो जाएगा आपका, आउटपुट 4 रुपीज, कितने भाई आपके पास यहाँ पे 17 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, और ये इंटरस्टेट कंडीशन है, कौन सी है ये, इंटर स्टेट कंडीशन, ठीक है भाई, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहे हैं हम, दब के देख रहे हो आप, ठीक है। तो आपको पता भी इंटरस्टेट के बाद क्या लेते थे हम, यहाँ पे IGST होता भी एक, तो एक CGST होता है, एक SGST होता आपका, ठीक है भाई, ध्यान से देखिए। अब SGST आपको टोटल कितना पे करना भाई, यहाँ पे 18% टैक्स पे करना है, ठीक है, जो आपका GST है, तो IGST में तो 18 ही रहता है, बट इसमें क्या हो जाता है 99 हो जाता है, हाफ हो जाता है आपको पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 17 लाख का 18% निकाल लें, क्योंकि इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट में हम IGST निकालते हैं आपको पता है, ठीक है। तो करते हैं भाई 18% ऑफ किसका निकाल रहे हैं भाई हम, 17 लाख का, 1 2 3 4 और 5, 20 से 20 कट गई भी, ठीक है, 18 7 जब 126 का 6 12 कैरी गया भाई, 18 19 और 3 30 हो गया भाई यहाँ पे, और पीछे 3 0 है, तो कितना आ गया भाई 3 लाख 3 लाख 6000 आ गया यहाँ पे, कितना आ गया भाई ये 3 लाख 6000,
और आपके पास ये क्या रहेंगे तो जीरो है क्योंकि हमने ये निकाले नहीं, इसके अंदर इंटरेस्ट रेट था। उसके बाद निकालते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पे आपको दिया है नेक्स्ट 3 लाख, और 3 लाख कितने के लिए दिया भाई, वर्थ रुपीज 3 लाख इन ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट। अब ये विद इन द स्टेट का क्या मतलब आपको पता है, ये इंट्रा स्टेट होगा भाई, ठीक है। आउटपुट है अभी अपने पास 4 रुपीज कितने की भी, 3 लाख की, ठीक है भाई। और किसके अंदर अभी, इंट्रा स्टेट कंडीशन में, ये यानी कि स्टेट के अंदर ही आप वहां पर पे कर रहे हो चीजों को, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालना पड़ता है आपको पता है। तो कितने पे 99% निकालना, तो 9% निकालते हैं यहां पर। अब देखो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं भाई, यहां पर अगर 20 से 20 कट गया, 9 को 3 से करते हैं तो 27,000 आता भाई। कितना आता है यहां पे, 27,000, ठीक है ना, क्योंकि 9% अगर आप निकालोगे किसका भी, कर देता हूं चलो आपको प्रॉब्लम ना आए कोई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,000 आएगा, ठीक है भाई। और दोनों में सेम रहता है, सीजीएसटी में भी और एसजीएसटी में भी। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं भाई, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या देखी उन्होंने, अब निकालते हैं यहाँ पर इनपुट, क्या निकालेंगे भाई, और फॉर द डीलर है भैया, ठीक है अपना। इनपुट में क्या बोला आपको यहाँ पे भाई, नेक्स्ट है जो आपका वो दिया है 15 लाख, किसके लिए, इंटरस्टेट कंडीशन दिया है। कौन सी कंडीशन दी है आपको यहाँ पर, इंटरस्टेट कंडीशन दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 लाख के लिए इंटरस्टेट कंडीशन यहाँ पे, ठीक है भाई। और इंटरस्टेट कंडीशन में आपको पता हम क्या निकालते भाई, यहाँ पर सिर्फ आईजीएसटी निकालते हैं, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी वहां पर क्या होता है भाई, निल होता है, जीरो होता है, ठीक है भाई। तो निकाल लो भाई यहां पर 18% ऑफ किसका भाई, 15 लाख का, किसका भाई, 15 लाख का, तो पीछे से 2 जीरो तो कट जाएंगे भाई यहां पर। अब 18 95 की 0 नो करे गया, 18 18 9 27, 2,70,000 आया भाई। कितना आया यहां पर, 2,70,000, ठीक है भाई, 2,70,000, पीछे 4 जीरो आएंगी। ये लो भाई आपका यहां पर हो चुका है इनपुट। अब करते हैं इसको यूटिलाइज, क्या करते हैं भाई यहां पर देखो, यूटिलाइज करेंगे। अब यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको यहां पे आईटीसी को, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को। तो यूटिलाइज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए यहां पर 27,000 तो है यहां पर, बट इसमें से अगर मैं माइनस कर लूं यहां पर भाई, ठीक है। अब यहां पर देखिए टोटल तो है अपने पास यहां पर, अगर इसमें से मैं माइनस कर रहा हूं यहां पे, आप यूटिलाइजेशन के डायरेक्ट भी कर सकते हो यहां पे, क्या करना आपने यहां पे, कैलकुलेट द नेट पेबल बाय डीलर, ठीक है, ये भी लिख सकते हो डायरेक्टर आप चाहे तो, क्योंकि यहां पर टोटल बन ही रहा है, वो टोटल करने की जरूरत नहीं है यहां पे, नेट पेबल लिख सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि सीधा ही माइनस हो जाएगा। देखो यहां पर इसमें से माइनस करेंगे कितना बचेगा भाई अपने पास यहां पे, 36,000 बचेगा, ठीक है, और इसको इसमें से जीरो में से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,000 ही बचेगा, और ये भी कितना बचेगा भाई, 27,000, तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा आपका यहाँ पे, नेट यूटिलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। तो 36,000, 27,000 और 27,000 आपका आईजीएसटी रहेगा, 36,000 और ये रहेगा भी आपका 27,000 और ये भी रहेगा आपका 27,000, और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है भाई कंप्लीट हो जाता है हमारा 22। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं भाई। देखिए यहाँ पर 23 क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, एक डीलर है जो सप्लाई कर रहा है ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स को वर्थ रुपीज 7 लाख, ठीक है, इन इंटर स्टेट। देखो भाई कौन सा बोला आपको यहाँ पर, इंटर स्टेट बोला, तो इसका मतलब आपके यहाँ पे देखो लिख देता हूं मैं, आउटपुट हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर ये 4 रुपीज किसके लिए निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर निकाल रहे हैं 7 लाख के लिए, किसके लिए भी, 7 लाख के लिए। उसके बाद हमको पता आपको क्या करते हैं, आईजीएसटी लिखते हैं भाई यहाँ पर, उसके बाद करते हैं सीजीएसटी और फिर नेक्स्ट अपना एसजीएसटी, ठीक है भाई। देखो ध्यान से क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं 28% आपको दे रखा है भाई यहाँ पर आपका टोटल जीएसटी, तो 28% इक्वल रहता है आपको पता है, आईजीएसटी जीएसटी के इक्वल होता है, बट सीजीएसटी और एसजीएसटी इसका हाफ होता है, यानी कि 14% होगा भाई ये। उसके बाद अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं, 7 लाख दिया इंटरस्टेट में, तो लिखो यहां पे भाई इंटरस्टेट, और इंटरस्टेट के लिए आपको पता भाई क्या करते हैं हम यहां पर निकालते हैं आईजीएसटी, यानी कि 28% निकाल लेंगे, सोल्व कर लेते हैं इसको 7 लाख के लिए भी, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे भी यहां पर, 7 8 56 का 6, 5 कैरी गया भाई, 7 2 14 14 और 5 19, तो ये आ गया 1,96,000, टोटल कितना अभी आपके पास यहाँ पे 1,96,000, ठीक है भाई। ये हो गया आपके पास टोटल, आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना बचा भाई यहाँ पे, 0 0। अब देखो भाई नेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ पर हम, नेक्स्ट रहेगा हमारा आउटपुट के बाद। अब देखिए नेक्स्ट आउटपुट हमारे पास क्या रहेगी, आउटपुट 4 रुपीज। अब यहां पर देखिए जो 5 लाख है इन ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट, ये विद इन द स्टेट हो रहा है, यानी कि स्टेट के अंदर है, तो ये इंट्रा स्टेट कंडीशन है भाई, इंट्रा स्टेट जो स्टेट के अंदर होती है, इसमें हमारा आईजीएसटी तो जीरो रहता है और ये दोनों निकालने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, कितनी कंडीशन है इस पे, 5 लाख की, कितने की है, 4 5 लाख, यहां लिख रहा हूं मैं,
5 लाख के लिए भी, ठीक है। तो देखो 5 लाख का निकाल लेते हैं 14%, 14% ऑफ 5 लाख, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भी, 14 × 5 = 70 और 3 जीरो यानी कि 70,000 टोटल आएगा भाई। यहां पर लिख देते हैं, देखो ये आ जाएगा भाई 17,000, ये भी 17,000, ठीक है भाई, ये हो गया अपना। अब करते हैं यहां पर इनपुट ट्रांजेक्शन करेंगे। अब हमारे पास यहां पर आईटीसी की बात कर रहे हैं, आईटीसी इनपुट ट्रांजेक्शन फोर किसके लिए भी कर रहे हैं यहां पे हम, वो कर रहे हैं नेक्स्ट अपना कितने लाख है भाई यहां पर 11 लाख, कितना 11 लाख, ठीक है भाई। अब 11 लाख हमारा है क्या, ये है भाई हमारा इंटरेस्ट रेट, कौन सा भाई हमारा इंटरेस्ट रेट है यहां पर। तो इंटरेस्ट रेट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहां पर भाई, ये करना पड़ेगा हमें यहां पर आईजीएसटी, आईजीएसटी के लिए क्या करते हैं 28% निकालना पड़ेगा आपको। तो 28% निकालिए यहां पे किसका भाई, 11 लाख का, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई, 11, 88, 8, 11, 2 और 8, 30 हो गया भाई यहां पे, ठीक है। पीछे कितनी जीरो है, 3 जीरो भी, तो अपना आ जाएगा यहां पे 3,08,000 आ जाएगा भाई यहां पे, लिख लीजिए 3,08,000 और ये हमारे पता आपको जीरो रहते हैं भाई। अच्छा, अभी इसके बाद करना पड़ेगा हमें यहां पर कौन सा भाई, यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा आईटीसी का। देखो भाई यूटिलाइजेशन करते हैं यहां पर आईटीसी का, कैसे होगा आईटीसी करते हैं भी, देखिए यहां पर यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था भाई, यहां पर आईजीएसटी के बाद आता अपना सीजीएसटी और उसके बाद आता है एसजीएसटी। तो सबसे पहले देखते हैं यहां पर 3,08,000 में से हमने टोटल में से क्या माइनस करना है, पहले हम माइनस करेंगे भाई यहाँ पर 1,96,000, बाकी फिर ये 70,000 करेंगे, बाकी बचो देखेंगे यहाँ पर कितना बचेगा अपना, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं यही लिख देता हूँ, देखो 3,08,000 में से 3,08,000 में से माइनस करेंगे कितना भाई, 1,96,000 था, माइनस में कितना भाई 7,000, तो देखते हैं भाई कितना बचेगा अपने पास यहाँ पर, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3,80,000 में से माइनस किया मैंने, इसको जोड़ना पड़ेगा भाई 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 यानी कि 6 और पीछे 3 जीरो आएंगी भाई, उसके बाद 9 और 7 कितना हो जाएगा भाई आपका 16 हो जाएगा, 1 कैरी गया 2 हो गया भाई, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा भाई, देखो 3 जीरो 3 जीरो पीछे ऐसे आ जाएंगी आराम से, ठीक है भाई। उसके बाद 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा भाई यहाँ पर, और यहाँ पर 30 में से 26 गया 4 तो 42,000 आएगा भाई, ठीक है। तो मैंने इसको कैसे स्प्लिट किया, देखो इसको टोटल सम बनाना, मैंने सम कैसे बनाऊंगा, देखो 196 लिया मैंने सबसे पहले, तो 196 लूंगा भाई मैं यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, मैंने फिर 70,000 लिया तो 70,000 लूंगा, ये जुड़ गए। उसके बाद कितना बचा भाई और इसको बनाने के लिए टोटल करने के लिए 42,000, कितना भाई 42,000, आया मेरी बात समझ, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मुझे यहां पर 3,08,000 टोटल बनाना है, जिसके लिए मैंने 196 तो ये ले लिया टोटल बनाने के लिए, 70,000 ये देखो पहले आईजीएसटी लेते हैं, फिर सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, आईजीएसटी और सीजीएसटी का टोटल करके मेरा इतना बचा अभी भी 42,000, तो मुझे ये एसजीएसटी में लेना पड़ा, ठीक है, इसलिए मुझे यहां पर इसको यूज करना पड़ रहा है। अब ये कर दिया भाई हमने यहां पे, अब इसका नेट पेबल निकालते हैं यहां पे, देखो नेट पेबल क्या रहेगा आपका, नेट पेबल देखो 196 में से 196,000 माइनस करेंगे 1,96,000 तो जीरो आएगा, 70 में से 70 माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, और यहां पर कितना लेके भी माइनस करना पड़े 42 और 8 कितना होता है 50 + 20 = 70 तो 28,000 हमारा यहां पर आएगा भाई ये वाला, ठीक है। तो टोटल हमारा जो निकालना था हमने नेट पेबल आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, देखो ये रहेगा जीरो, आईजीएसटी जीरो आएगा आंसर, इसका भी जीरो आएगा और लास्ट वाला एसजीएसटी का 28,000 आ जाएगा, और यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर है भाई 23 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा भी हमारा, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं अभी, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का, इसके बाद हमारा जो चैप्टर है फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा भाई, इसकी वन शॉट वीडियो। चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं भाई, इस चैप्टर को पूरी मेहनत से बनाया गया भी आपके लिए, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर भी रहेगा, वन शॉट वीडियो है जो हमारी बहुत ही लंबी वीडियो है। इसके जो चैप्टर मैंने कराया भाई, इसके सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी तरीके से कराए गए हैं, अपनी पूरी मेहनत से बनाया मैंने, इसको शेयर कर देना फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ भाई, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। साथ ही साथ फीडबैक जरूर देना भाई, आपने लास्ट में कमेंट छोड़ना है कि जो भी मैंने क्वेश्चन कराए इसमें आपको कहाँ पे किसको क्या प्रॉब्लम आई है, कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदे हैं कुछ थोड़े कम होते हैं भाई, तो देख लेना है भाई जिसके हिसाब से जिसको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे जरूर बताना, फीडबैक देनी है ताकि मैं आने वाले चैप्टरों में उन चीज़ों के ऊपर ध्यान रख सकूँ और आपके लिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं हर एक क्वेश्चन को ईजी वे में बता पाऊँ, ठीक है भाई। तो फीडबैक जरूर देनी है आपने लास्ट में कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी किया या थोड़ा ठीक किया या किसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, हर एक बच्चे ने फीडबैक देनी है, ठीक है भाई। तो देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं भी हमारा, मैन्युफैक्चरर है जो कंपनी एक फरीदाबाद के अंदर जो हरियाणा में पड़ता है भाई, मार्क्स अ मशीन ऑफ रुपीज
240,000 इट सेल इन अ मशीन टू अ डीलर इन दिल्ली। देखो भाई, हरियाणा से दिल्ली में कोई सामान बेचा जा रहा है, ठीक है भाई, तो इसका मतलब यहाँ पे सेम स्टेट तो है नहीं। अब सेम स्टेट नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा, इंटर स्टेट कंडीशन लगेगी यहाँ पे आपकी, इंटर स्टेट, जहां पर हम क्या निकालते थे भाई, आईजीएसटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आईजीएसटी शो करते हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला, डिस्काउंट इस पे 25% ऑन द एमपी डीलर सेल्स इट अ कंज्यूमर इन केरला। और दिल्ली के बाद फिर वहां पे भाई वो किसको बेचता है, केरला में बेचता है। फिर यहां पे वापस कौन सी कंडीशन लगेगी भाई, इंटरस्टेट की। क्यों लगी इंटरस्टेट की, क्योंकि फिर डिफरेंट स्टेट आ गया भाई यहां पर, ठीक है, दैट्स व्हाई यहां पर हम इंटरस्टेट की कंडीशन लगाएंगे हर एक पार्ट में। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं भाई, टोटल हमें कितना दिया है, 240,000। देखो भाई आपका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे यहां पर, ठीक है, किसके लिए निकालेंगे, 25% का उस पर डिस्काउंट मिल रहा है। और मैंने क्या बताया था, डिस्काउंट को माइनस करते हैं कम पैसा होता आपका, तो सिंपल है 240,000 में से आफ्टर डिस्काउंट लिख रहा हूं मैं, कॉस्ट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, तो क्या लिखेंगे भाई, 240,000 में से माइनस करूंगा मैं किसका भाई, 25% ऑफ 240,000 का, ठीक है भाई, 20 से 20 कट गई, 20 तो भी एज इट इज आ गई अपने पास यहाँ पे, 25 4 100 0 10 करेगा अभी, 25 2 50 और 10 60, तो आ गया भी आपके पास 60,000 आ गया, कितना गया 60,000, माइनस कर देंगे इसमें किसको, 24 000 को भाई, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 180,000, कितना बचेगा भाई यहाँ पर, 180,000 बचेगा। अब हमारे पास कंडीशन कौन सी थी, इंटरस्टेट की, और जीएसटी कितना भी अपने पास, 12%, तो आपको तो पता है भाई यहाँ पर इंटर स्टेट कंडीशन में हमारे पास क्या रहता है भाई, जो आईजीएसटी है वो किसके इक्वल होता है भाई, जीएसटी के इक्वल, यानी कि 12%, तो इसका 12% निकालना आपने, अब हमने यहाँ पे तो 12/100 मल्टीप्लाई में कितना भाई ये 180, पीछे 30 भाई, तो सोल्व करते हैं, देखो 20 से 20 कट गई, कट के कितना बचेगा भाई यहाँ पे, 12 98 गचे 9 करेगी, 12 * 12 = 21, और पीछे कितनी 0 भाई, 20, तो 21,600 आ जाएगा आपका यहाँ पर इंटरस्टेट आईजीएसटी के अंदर, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरा वाला स्टेप इसका, देखो अब वापस ये बंदा बेच रहा है केरला के अंदर, और वो भी इंटरस्टेट कहलाएगा, तो इस केस में भी हम वही करेंगे, लेकिन उससे पहले 240,000 का कितना परसेंटेज हमने कम करना है, अभी इसमें 10% डिस्काउंट है, तो वो निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना मिलेगा भाई डिस्काउंट के बाद, देखो यहां पर तो 240,000 में से माइनस करना आपने 10% ऑफ 240,000, 20 से 20 कट गए यहाँ पर, तो कितना बचा 240,000 माइनस में कितना भाई 24,000, चलो भाई माइनस करते हैं 24,000 इसमें से, तो 216,000 है ना, 16,000 बच जाएगा भाई आपके पास, कितना बचेगा 216,000 बच जाएगा आपका यहाँ पे भाई। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पे नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं अब इसका, ये तो हो गया अपने पास यहाँ पर। अब कंडीशन कौन सी लगेगी इसमें भी, इंटरस्टेट की लगेगी, इंटरस्टेट कंडीशन लगेगी यहाँ पे, क्यों लगी इंटरस्टेट, क्योंकि ये दिल्ली से केरला जा रहा है भाई, सेम स्टेट नहीं अलग स्टेट है, तो हम यहाँ पर आईजीएसटी लगाते हैं, और आईजीएसटी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 12% लेना पड़ेगा इसका भी, सेम टू सेम किसका भाई, 216,000 का, 20 से 20 कट गई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 00 12 छिक 72 का 2 का 7 करेंगे, 12 12 12 और 7 19, 1 करेंगे 12 24 1 25, 25,920 रुपीज आ गया भाई यहाँ पर। अब हमने निकालना था नेट पेबल, क्या निकालना भाई, कैलकुलेट द आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल बाय द डीलर। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई यहाँ पर, हम नेट पेबल निकाल लेते हैं। नेट पेबल में क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल जो आपका आया आउटपुट उसमें से इनपुट माइनस करना, आउटपुट कितना भी आपका 25,920 माइनस में इनपुट कितना निकला था भाई हमारा, 21,600, ठीक है भाई। अब देखो पीछे कितना आ जाएगा भाई अपना, 20 तो बचेगा लास्ट में, उसके बाद 9 में से 6 गया 3 बचा भाई यहाँ पर, और 25 में से 21 गया तो भाई कितना बचेगा आपका पास यहाँ पे, 4 बचेगा, 4,320 रुपीज आपके आ जाएंगे लास्ट में। ये क्या है भाई आपका, आईजीएसटी आया, क्या ये आईजीएसटी नेट पेबल आईजीएसटी। क्या यहाँ पर हम सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इंटरस्टेट कंडीशन है यहाँ पे, जिसके अंदर हम यहाँ पर दूसरे स्टेट्स में बेच रहे हैं, विद इन द स्टेट कुछ नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पर जो हमारा सीजीएसटी रहेगा वो रुपीज 0 रहेगा, और एसजीएसटी है वो भी रुपीज क्या रहेगा भाई, 0 रहेगा। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर है 24 लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, कंप्लीट हो चुका भाई।
आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। बाकी मैंने आपको बोल ही दिया, फीडबैक के लिए जरूर देनी है भाई। किसी भी बच्चे को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, हाँ भाई आप क्वेश्चन ये लेंथी जा रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेशन में या तरीके में, कुछ भी डाउट हो आपको तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना भाई। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करवा दो अपने दोस्तों के साथ, उनको शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके और चैनल की भी ग्रोथ हो उसके भी, ताकि सभी बच्चों तक चैनल पहुँचे भाई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।